मिल जाए। चलो तो आप सभी का वेलकम आज के हमारे वेबिनार में। जो आज हम करने वाले हैं वो टैरो टैरो का वेबिनार, हम आज का हमारा फ्री सेशन है। और टैरो होता क्या है, टैरो में कितने कार्ड होते हैं, टैरो को कैसे हम रीड कर सकते हैं, टैरो के मीनिंग क्या है, ओके, टैरो को कैसे रीड किया जाता है, कैसे किसी कार्ड को पढ़कर आप उससे कैसे प्रेडिक्शन निकाल पाते हैं, तो आज हम थोड़ा सा आपको क्लू देंगे। और आप सभी को सुनकर खुशी होगी कि हमारा एक नया बैच, नेक्स्ट बैच 16 अगस्त को लॉन्च हो रहा है और आप सभी वेलकम है, इसमें सीख सकते हैं। और आप अगर टैरो सीखेंगे तो वाकई में आपको पता लगेगा टैरो का मतलब क्या है और टैरो को कितनी अच्छे ढंग से पढ़ाया जा सकता है, ओके। और जैसा कि अभी किसी ने पूछा, बच्चे ने पूछा कि वो अपनी ऑकल्ट साइंस में जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उन्होंने मेरे से पूछा सर राय दीजिए कहाँ से जर्नी स्टार्ट की जाए, ओके। और मैं इस बात का आंसर बड़े ही कॉन्फिडेंट से दूंगा और अपनी एक्सपीरियंस से बताना चाहूंगा इनको कि किसी ने अगर अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है, देखिए पढ़ना तो सब कुछ पड़ेगा अगर पूरा आपको इस ऑकल्ट फील्ड में आना है, लेकिन अगर आप जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो तो सबसे जो इजी टूल है दो जिनको बहुत आसानी से सीखा जा सकता है और सीखकर बहुत जल्दी सीखकर आप इससे कमर्शियल एंगल पर इसको अप्लाई कर सकते हो, लोगों की सेवा कर सकते हो, लोगों को गाइडेंस दे सकते हो, वो है न्यूमरोलॉजी एंड टैरो। ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसको आप आसानी से सीख कर, ठीक है, जैसे टैरो की अगर बात करते हैं तो हमारा 15 डेज का कोर्स है और ये बेसिक से लेकर एडवांस तक है। अगर आप टैरो 15 दिन मेरे साथ लगा लेते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं जो मेरी गाइडलाइन पे अगर आप चलेंगे और अगला 1-1.5 महीना जिस जो गाइडलाइन मैं आपको दूंगा, जैसे प्रैक्टिस करनी है, कैसे मेडिटेशन करना है, इस टूल को शार्प कैसे करना है जो मैंने आपको सिखाया, विद इन 2 मंथ आप कमर्शियल एंगल पर इस साइंस को यूज कर सकते हो और इससे इनकम जनरेट कर सकते हो गारंटी के साथ। कितना बढ़िया टूल है कि 15 दिन आपने मेहनत की जो मेरे साथ, उसके बाद हमारा ग्रुप बना रहता है, उसमें आप इंटरेक्शन करते रहिए, जहां जरूरत पड़ती है फिर मैं आपकी हेल्प करता हूं। और मेरी गाइडलाइन के हिसाब से वीडियो आपको दे दी जाती है, कोर्स मटेरियल आपको दिया जाता है, 2 महीने लगकर उसको पढ़ लो, समझ लो, एक बार रिवाइज कर लो 2-4 बार, ओके। और 2-2.5 महीने के अंदर जिस फील्ड में आप बिल्कुल जीरो थे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप 2-2.5 महीने बाद उसको कार्ड को कमर्शियली अप्लाई कर आप इनकम जनरेट कर सकते हो, लोगों की हेल्प कर सकते हो, लोगों को कंसल्टेशन दे सकते हो। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि लॉकडाउन में 1,500 से ऊपर सिर्फ टैरो पढ़ा चुका हूं मैं स्टूडेंट 1,500 से ऊपर, और हिंदुस्तान में कोई ऐसा ऐप नहीं है जहां पर मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट आज की डेट में काम नहीं कर रहे। सबसे ज्यादा टैरो के स्टूडेंट किसी ऐप में अगर काम कर रहे हैं तो मेरे स्टूडेंट है, ये दावे के साथ है, ओके। और वो पढ़कर बताते हैं कि सर जब कंसल्टेशन देते हैं तो मिरेकल रिजल्ट आ रहे हैं, हम कर पा रहे हैं, ऐसे ऐसे मेरे पास एग्जाम्पल ऐसे ऐसे हैं जो क्या कहा करते हैं कि सर मैं सीख नहीं सकता, और मैं कहता था कि आप सिर्फ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं आपको सिखाकर छोड़ूंगा। मैं तो ओपनली बोलता हूँ, कभी किसी वेबिनार में किसी ने चैलेंज लेना हो मेरे से तो मेरे से ले लेना, किसी भी सब्जेक्ट में जो मैं पढ़ाता हूँ, क्योंकि मुझे आपके ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं है लेकिन मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंट है, क्योंकि उस सब्जेक्ट को शायद आप पहली बार पढ़ रहे हैं, उसी सब्जेक्ट को मैं 1,000 बार पढ़ा चुका, तो मुझे पता है मेरी स्ट्रेंथ क्या है। और मैं अपने स्टूडेंट का हाथ तब तक नहीं छोड़ता जब तक कि वो सीख ना जाए, क्योंकि मैंने आपसे पैसे सिखाने के लिए हैं वो सब्जेक्ट, मैं आपको सिखाकर छोड़ूंगा, ठीक है। तो मुझे अपने पर पूरा कॉन्फिडेंट है। अब तक इंट्रोडक्शन के साथ, जैसे मैंने नाम बताया, ज्योतिष आचार्य डॉक्टर नागेश तरुण मेरा नाम है, और पिछले 12 साल से 2008 से मैं इस ऑकल्ट वर्ल्ड में हूँ। 2011 से प्रोफेशनली मैं इन्हीं सब साइंसेस की, चाहे वो ज्योतिष है, वास्तु है, न्यूमरोलॉजी है, टैरो है, केमिस्ट्री है, लाल किताब है, ये 6 सब्जेक्ट की कंसल्टेंसी दे रहा हूँ, और ये 6 सब्जेक्ट अपने इंस्टीट्यूट में पिछले 10 सालों से पढ़ा रहा हूँ। और इन सारे, अगर स्टूडेंट को मैं काउंट करूँ इन सब सारे सब्जेक्ट को लेकर, 11,500 से ऊपर स्टूडेंट मैं पढ़ा चुका हूँ, ओके। तो ये मेरा छोटा सा बैकग्राउंड है। बाई एजुकेशन मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और एमबीए मार्केटिंग, एमबीए फाइनेंस मैंने किया हुआ है, और ईश्वर की ऐसी देन है कि 2008 से जब इस फील्ड में आया तो ज्योतिष और वास्तु के अंदर मैंने डॉक्टरेट भी कर ली है, ओके। तो भगवान की कृपा रही है। तो सारे सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ, जानता हूँ, और इसीलिए जब आप टैरो पढ़ेंगे तो टैरो के अंदर, सिर्फ मैं टैरो नहीं पढ़ाता आपको, टैरो में न्यूमरोलॉजी का कैसे यूज किया जाएगा, टैरो में ज्योतिष का यूज कैसे करना है, टैरो में वास्तु का यूज कैसे करना है, ये सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ, टाइम फ्रेम कर कैसे किया, ओके। तो जो हमारा कोर्स कंटेंट है आप पढ़िएगा, समझिएगा, तो आपको पता लगेगा हमारे में यूनिकनेस क्या है। और जो डेडिकेशन मेरे में पढ़ाने के, वो सब आप पुराने लोग हैं सब जानते ही हैं कि एक जुनून होता है पढ़ाने का, और मैं किसी को मिसगाइड नहीं करता, ओके। चाहे जो मैं आप यहाँ बोल रहा हूँ वही चीज कोर्स में बोलूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ कुछ और बोलता हूँ कोर्स में कुछ और बोलता हूँ। मेरे वेबिनार देख लेना,
मेरे YouTube पर आप फॉलो कर सकते हैं। 450 से ऊपर मेरे YouTube के ऊपर वीडियोज हैं आपका ज्योतिष वास्तु न्यूमरोलॉजी टैरो पामिस्ट्री के ऊपर, आप 450 से ऊपर वीडियोज हैं, उनको सुनिए पढ़िए आपको समझ में आएगा। ओके, ये छोटी सी जर्नी है। और सिर्फ गूगल पर आप मेरा नाम भी ले देंगे ना, डॉक्टर नागेश तनवर, तो आपको वहीं से मेरी ऑथेंटिसिटी पता लग जाएगी कि गूगल ने मेरे को क्या रेटिंग दे रखी है और क्या कितनी रीच है हमारी। टैरो सिर्फ टैरो लिख दीजिएगा, प्रोफेशनल टैरो, टैरो रीडर, तो भी शायद आप मेरा ही नाम पहले पाएंगे। तो ये मेरी टैरो के अंदर तो इतनी रीच पहुंच चुकी है। ओके, तो आज का टॉपिक है टैरो। तो टैरो बहुत ही अच्छा टूल है। देखिए, मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी ज्योतिष से, वैदिक एस्ट्रोलॉजी से, उसके बावजूद ही मैं ये कहता हूं कि टैरो और न्यूमरोलॉजी सबको पढ़ना चाहिए। क्यों? इसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि जब आप ज्योतिष में जाते हैं या किसी और साइंस को पढ़ते हैं तो वहां हर साइंस की कुछ ना कुछ लिमिटेशन है। जैसे कि मान लें आपने ज्योतिष अगर आप करते हैं तो जब तक आपके पास टाइम, डेट, टाइम और प्लेस नहीं होगा तो बड़ा मुश्किल है बताना। ओके, फिर आपको प्रश्न कुंडली पढ़नी पड़ेगी और प्रश्न कुंडली में भी आपको परफेक्ट होना पड़ेगा। मतलब आप अगर ज्योतिष में परफेक्ट होना चाहते हैं तो कम से कम 5-7 साल तो कंटेंट पढ़ना पड़ेगा आपको, उसके बाद जाके आप कुछ एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर की तरफ आपकी जर्नी स्टार्ट होती है। ओके, ये मतलब है। लेकिन टैरो में ऐसा क्या है, टैरो में एक तो किसी टूल की जरूरत नहीं है आपको, किसी भी टूल की जरूरत नहीं है। मतलब आपका डेट ऑफ बर्थ है, नहीं है, नाम है, नहीं है, कुछ भी नहीं पता, तो भी आप टैरो की हेल्प ले सकते हो। ओके, दूसरा, अब ये 15-20 दिन का कोर्स होता है, आप पढ़िए, 2 महीने में आप परफेक्ट हो जाते हैं और जितनी आप मेहनत करेंगे उतनी आपकी एक्यूरेसी बढ़ती चली जाएगी। और ये तो मैं अपने अपने दम पर तो मैं दावा कर सकता हूं कि अगर आप पढ़ते हैं और मेरी गाइडलाइन को फॉलो कर लेते हैं तो कम से कम 70-80% तो आपकी प्रेडिक्शन जस्ट सही जाती है। बाकी उसके ऊपर आपकी मेहनत है, कितना आप उसको ले जा सकते हो। कुछ मेरे स्टूडेंट ऐसे हैं 90+ उसकी उनकी प्रेडिक्शन है, 90+। किसी भी ऑकल्ट वर्ल्ड में अगर 70% से ऊपर आपकी एक्यूरेसी आती है तो आप दी बेस्ट कंसल्टेंट हो, दी बेस्ट, 70 से ऊपर अगर है। ओके, 90 होगा तो समझ लीजिएगा साक्षात ईश्वर का आशीर्वाद आपके पास लगा हुआ है और वो भगवान से करना, वो ब्लेसिंग बनी रही आपके, ठीक है, क्योंकि प्रेडिक्शन आप नहीं करते, प्रेडिक्शन ईश्वर की तरफ से आती है। दूसरा, टैरो के लिए 2-3 चीजें मैं पहले बता दूं, क्योंकि टैरो में लोगों के बड़े सारे मिथ भी हैं, क्योंकि लोग पढ़े पढ़ाए भी मेरे पास पढ़ने आते हैं तो वहां पता लगता है कि टैरो में लोग चीजें रटवा देते हैं, जबकि टैरो कोई रटने की चीज नहीं है। टैरो रीडिंग इज एन साइकिक रीडिंग, टैरो रीडिंग एक साइकिक रीडिंग है, समझिए बात को। और क्यों मैं कहता हूं कि टैरो सबको पढ़ना चाहिए, आप अगर किसी भी ऑकल्ट वर्ल्ड में हो, चाहे ज्योतिष करते हो, पामिस्ट्री करते हो, वास्तु करते हो, लाल किताब करते हो, हीलिंग वर्ल्ड में हो कहीं भी, सबको टैरो सीखना चाहिए। क्यों सीखना चाहिए, इसके पीछे लॉजिक है मेरे पास। लॉजिक ये है कि किसी भी फील्ड में अगर आप हैं, चाहे वो ज्योतिष में मान लीजिए आप हैं, तो आप क्या करेंगे, कंसल्टेशन देंगे लोगों को। जब आप कंसल्टेशन किसी को देते हैं तो कंसल्टेशन, जब आप किसी का फ्यूचर डिसाइड करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं अपनी नॉलेज से, तो आप सिर्फ कंटेंट बेस्ड प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी प्रेडिक्शन कंटेंट बेस्ड नहीं हो सकती। अगर प्रेडिक्शन कंटेंट बेस्ड होती तो अब तक इतनी बड़ी बड़ी कंपनी है, पता नहीं कितनी लाखों टाइम वो कैलकुलेट कर सकते हैं विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, तो अब तक कोई ना कोई सॉफ्टवेयर बन चुका होता। और वर्ल्ड में आज तक प्रेडिक्शन के लिए कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं बना। इससे क्या निकल समझ में आता है आपको, कि प्रेडिक्शन कभी भी कंटेंट बेस्ड नहीं हो सकती। जितना मर्जी कंटेंट पढ़ लेना, मैं कहता हूं 100 साल आप कंटेंट पढ़ लो, 101वें साल में तब भी आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि कंटेंट बेस्ड प्रेडिक्शन होती तो ये गूगल, फेसबुक, अंबानी, अडानी, ये इतने बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हैं, ये आप लोगों को तो पता भी लगते कहां उड़ गए आप, सॉफ्टवेयर बना चुके होते। इसका मतलब क्या हुआ, प्रेडिक्शन आती है कंटेंट के साथ साथ, प्रेडिक्शन आती है आपकी इंट्यूटिव पावर से, आपकी इंट्यूशन से, आपकी साइकिक एबिलिटी से, क्योंकि एक मशीन के पास सिर्फ यही नहीं है, समझ रहे हो आपको, एक मशीन के पास सिर्फ यही नहीं है। और मुझे लगता नहीं वो दिन दूर है, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गई है, अब वो कैलकुलेट तो कर सकते हैं अभी भी, लेकिन इंट्यूटिव फिर भी नहीं है अभी, मैनिपुलेशन तो आ गई है, अब मशीन इतनी समझदार हो गई है, मशीन में थोड़ा दिमाग आ गया है, अब मशीन इंटेलिजेंट तो हो गई है लेकिन इंट्यूटिव अभी भी नहीं हुई है। तो मुझे नहीं लगता कि इंट्यूटिव कभी आ पाएगी मशीन में, जिस दिन वो आ गई तो फिर तो भैया सब बोरिया वस्त्र बांध लेना अपना और फिर तो चलेंगे सारे हरिद्वार, यही होगा, ठीक है। तो इंट्यूशन नहीं आ सकती, इंट्यूशन नहीं आ सकती। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने किसी भी फील्ड में आप हैं, आपकी आपकी प्रेडिक्शन तब अच्छी जाने की प्रोबेबिलिटी है कि कंटेंट के साथ साथ अगर आपकी साइकिक एबिलिटी या इंट्यूटिव पावर डेवलप्ड है तो आप रीडिंग कर सकते हो, वरना रीडिंग नहीं कर सकते।
और टैरो एक इतना अच्छा मीडियम है अपनी इंट्यूटिव पावर को बढ़ाने का, इससे ज्यादा, इससे सटीक, इससे इजी मेथड कोई भी नहीं है अपनी इंट्यूशन को बढ़ाने का। जब आप टैरो सीखते हैं, टैरो को यूज करते हैं, टैरो क्या प्योर इंट्यूटिव बेस्ड है, ठीक है, टैरो का यूज कीजिएगा, आपकी अपनी और साइंसेज जो आप करते हैं ना अपने आप डेवलप हो जाएगी। कितनी मजे की बात है, सिर्फ 15 दिन का कोर्स है, आइए कीजिए, वाकई में आप इंजॉय करेंगे, ठीक है। और मैं जो, मेरा पढ़ाने का तरीका बड़ा अलग है, आपने देख लिया हुआ वेबिनार में, मैं कभी चीजें रटवाता नहीं हूँ, मैं चीजें समझाता हूँ। एक तो चीज होती है डिलीवर करना कि भाई बता दिया भाई ये मतलब है, बस ये रट लेना, बात खत्म, कहानी खत्म। मैं तो चलो टैरो तो फिर भी इंट्यूटिव है सारा, मैं तो कोई चीज आपको कभी नहीं रटवाता, मैं समझाता हूँ। मेरा मकसद आपको एजुकेट करने का है, मेरे को आपको रटवाने का मकसद नहीं है, कि आपको कंपाउंडर नहीं बनाना मैंने, कि भाई इस दवाई का मतलब, उसे दवाई का एक साल्ट नहीं पता, उसके पीछे लॉजिक नहीं पता, बस ये बता दिया भाई ये बीमारी है तो ये दे देना, ये कंपाउंडर बनाता हूँ मैं, आपको डॉक्टर बनाता हूँ। एक डॉक्टर को पता होता है कि दवाई देने के नुकसान क्या, फायदे क्या, उसका लॉजिक क्या देने का, ठीक है। तो मेरा मकसद आपको एजुकेट करने का रहता है, आपको लेमन बनाने का नहीं है, या आपको एक एक कहते हैं ना बिल्कुल एक सीध में चलाने का नहीं है, ठीक है। तो आप आएंगे टैरो सीखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मतलब क्या होता है। तो अभी हमारे बीच में कोई ऐसा है कि जिसको टैरो बिल्कुल भी नहीं आता, प्लीज वो ही हैंड रेज करेंगे, क्योंकि मैं उन्हीं की हेल्प लेकर अभी थोड़ा सा उनको बताने वाला हूँ कि टैरो को पढ़ा कैसे जाता है। जिनको बिल्कुल भी टैरो नहीं आता, ईमानदारी से वही हैंड को रेज करेंगे। चलो तनु अरोड़ा मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, हीना जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, हीना जी आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आपको। सर गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर, राधे राधे। राधे राधे जी, राधे। पीछे से आवाज नहीं आया, बस ये ध्यान रखना आपके घर से, बस इतना ध्यान रखिएगा। आपको टैरो आता है नहीं आता बिल्कुल भी दोनों में से? हाँ सर, मुझे बिल्कुल नहीं आता, मुझे बिल्कुल नहीं आता सर। और देखिए जिसको नहीं आता ना वो मेरे से कभी भी चैलेंज ले सकता है कि सर आप मुझे सिखा के बता दो, मतलब अगर आप नहीं भी सीखना चाहेंगे ना तो भी मैं सिखा के छोड़ूंगा आपको, अगर आपने चैलेंज ले लिया मेरे साथ। क्योंकि जब तक आप नहीं बोल दोगे ना मुझे नहीं आया तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं आपको, हर क्लास में बुलाऊंगा, बोलो बैठो यहाँ पढ़ो। एक दो बच्चों ने की थी ऐसी शरारत कि सर मुझे नहीं आया, मैं कहा आ जा बेटा दोबारा, मैंने फिर पूछा आ गया नहीं आया, चल दोबारा बैठ, तब तक नहीं कहेगा मेरा तो काम ही पढ़ाने का है, मेरा तो हर महीने बैच लॉन्च होता है, एक दिन तुम खुद कहोगे बस सर बस अब तो पक गया हूँ, टैरो फड़ फड़ के छोड़ दो, लेकिन ऐसा होता नहीं है, लोग सीख जाते हैं। चलो तो सबसे पहले मैं बैनर दिखाऊंगा आपको, मेरा बैनर आप देख ही पा रहे हैं स्क्रीन पर, 16th ऑफ अगस्त से बैच शुरू हो रहा है, बैच का टाइम ही रहेगा 4:30 to 6, ओके। इसका एनर्जी एक्सचेंज है 7999 प्लस में GST, इसमें आपको पूरा स्टडी मटेरियल हमारी तरफ से दिया जाता है, आपको ई सर्टिफिकेट मिलता है, आपको PDF फाइल जो जिस फाइल से मैं पढ़ाता हूँ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वो SDs आपको दी जाती है, और साथ में लाइव टाइम के साथ आपको जो लाइव क्लास हमारी चल रही है वो रिकॉर्ड होती रहती है, हर डे की रिकॉर्डिंग आपको हमारी तरफ से प्रोवाइड की जाती है लाइव टाइम एक्सेस के साथ, ओके। आप उसको सेव कर सकते हो, लाइव टाइम उसको देख सकते हो, तो ये सारी फैसिलिटी हमारी तरफ से आपको दी जाती है। चलो अब जिनको नहीं आता उनसे हम थोड़ा सा इंटरेक्ट करेंगे। चलो ये कार्ड बताओ, क्या नाम था आपका, नाम बताइए पहले। तनु। तनु, तनु बेटा क्या दिख रहा है इसमें, ये एक कार्ड तेरे सामने है, स्वॉर्ड लेके एक चल रहा है एक बंदा। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, और दैट्स व्हाट आई कैन सी, मतलब कि वो जा रहा है कहीं, जा रहा है, घोड़े की स्पीड क्या है मतलब, और बंदे की स्पीड क्या है? It's too fast, हाँ, बहुत तेजी, जल्दी में कहीं है। बहुत तेजी भाग रहा है। हाँ जी। और इस बंदे का जो फेस थोड़ा सा देख पा रहे हो, जो आप जितना भी आपको दिख रहा है, तो क्या दिख रहा है ये? मतलब थोड़ा सा एक कहता है ना वो एग्रेसिव है ना, वो जल्दबाजी में दिखता है। मतलब he's in a hurry और aggression में है वो। aggression में, ठीक है। और तलवार लहरा रखी है, तलवार इंसान कब लहराता है, जब मतलब वो जैसे लड़ाई करने या कुछ भी एक काम जज्बे के साथ जो कर रहा है उसको आगे लेके जा रहा है जल्दबाजी में, ठीक है, बहुत बढ़िया। आप टेरिटर बन गए, यही तो देखना होता उसमें और कुछ भी नहीं, ठीक। अच्छा दूसरा कार्ड का है पीछे, जो एनवायरमेंट दिख रहा है, बादल जो दिख रहे हैं वो कैसा दिख रहा है तुम्हें?
एक अच्छा एनवायरमेंट दिख रहा है, थोड़ा रफ एनवायरमेंट दिख रहा है पीछे, ये बादल दिख रहे हैं, ये ना ये बादल दिख रहे हैं, ये बादल दिख रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, ये पेड़ लहरा रहे हैं, क्या दिख रहा है? मतलब आपको ऐसा क्या फीलिंग आ रही है कार्ड को देख के कि भाई पीछे का एनवायरमेंट कैसा है, अच्छा है या थोड़ा सा एनवायरमेंट में टर्बुलेंस टाइप है? मेरे को तो आई एम फाइंडिंग इट नॉर्मल। अच्छा ठीक, चलो अब ऐसे पेड़ कब लहराते हैं? मतलब ऐसा लग रहा है ना जैसे पेड़ गिरने वाला है, जैसे क्या लग रहा है आपको? हाँ, जब कोई तेज हवा या आंधी चल रही हो तब करके। और ये बादल भी देखो एजिस वाले बादल हैं, एजिस वाले है ना, जब कभी एजिस वाले इस तरह का बादल होते हैं इसका मतलब ये एनवायरमेंट ठीक नहीं है पीछे। हाँ दूसरा कभी भी देखना मतलब नेचर को फॉलो करो, अगर आपने ये अच्छा। ऑकल्ट साइंस सीखनी है ना तो नेचर के साथ रहना सीखो, नेचर को पढ़ना सीखो। कभी भी आप देखना जब पक्षी उड़ते हैं, कोई भी बर्ड उड़ रही होगी ना, मतलब ग्रुप में जब उड़ रहे होंगे ना, उनकी एक सिस्टम होगा, ऐसा नहीं है कोई कहीं जा रहा कोई कहीं जा रहा, मतलब सारे सारे एक ही दिशा में मूव कर रहे होते हैं, फ्लो कर रहे होते हैं। और यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, हाँ, सारे पक्षी क्या दिख रहे हैं? सिमेट्री में जाते हैं, सिमेट्री, सिमेट्री में जाते हैं ना, स्कैटर्ड यहाँ पर है ये क्या, सारा। हाँ यहाँ पर सिमेट्री दिख रही है आपको? भाई ये इधर जा रहा है, ये इधर नहीं, जा रहा है, दो इधर जा रहे हैं, तो सिमेट्री नहीं है। जब कभी इस तरह की एनवायरमेंट नेचर के अंदर होता है एबनॉर्मल ना जब होता है तब नहीं होती सिमेट्री। तब हाँ सिमेट्री नहीं है। इसका मतलब है इस कार्ड में ऐसा दिख रहा है कि पीछे एनवायरमेंट कुछ अच्छा नहीं है, एनवायरमेंट कुछ डिस्टर्ब है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ जब कभी कोई क्वेश्चन पूछने आएगा और जब हमने कार्ड को शफल किया, कार्ड को ड्रॉ किया और कार्ड गलती से ये निकल कर आ जाए, तो इसका मतलब है जैसा इस कार्ड का एनवायरनमेंट है वैसा ही जिसने क्वेश्चन पूछा है उसकी लाइफ में वैसा ही एनवायरनमेंट अभी चल रहा है। उसकी लाइफ भी ऐसी चल रही है, उथल पुथल ओके। भूचाल आया है उसकी लाइफ में। ठीक है, तो यहां से ये कार्ड बिल्कुल आपको वो ही दिखाएंगे जो उसकी लाइफ में चल रहा है। ठीक है, अब जैसे ये बंदा बहुत तेजी में है, जल्दबाजी में है, गुस्से में है, बहुत एग्रेशन है, इंपेशेंट है, बोल सकता हूँ ना इंपेशेंट है। इम्पेशेंट। हाँ ठीक है, तो हम सामने वाले को भी यही बोलने वाले हैं कि भाई साहब आप जो भी काम के लिए पूछने आए हो ना, जो भी आप चाह रहे हो, आप उस काम को बहुत जल्दी मचा रहे हो। जैसे किसी ने बोला कि जी मेरी जॉब लग जाए, मैं जॉब के लिए पूछने आया हूँ, तो इसका मतलब बहुत जल्दी में है वो जॉब, बहुत जल्दी में है वो जॉब, मतलब उसके बहुत जल्दी जॉब चाहिए। अब जल्दी किस लिए है, उसके बाद बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कि या तो उसके पास मुसीबत आ रखी है, या वो उसके बहुत टाइम से जॉब उसके पास नहीं है, वो इंपेशेंट हो चुका है वेट कर कर कर। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो लेकिन अब आप बहुत जल्दबाजी में जॉब को चाह रहे हो। ठीक है, और हम क्या बोलेंगे, जल्दी का काम शैतान का, ये कहावत तो सुनी होगी आपने। तो हम बोलेंगे आप में पावर है, क्योंकि तो आपको शायद अभी इस कार्ड के बारे में नहीं पता, ये है नाइट ऑफ सोर्ड्स। जो नाइट राइडर होते हैं क्या होते हैं, जैसे शाहरुख खान की टीम का जो आईपीएल की टीम है उसका नाम क्या है? नाइट राइडर। हाँ होता है नाइट राइडर। नाइट राइडर का मतलब होता है जो हर वक्त किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार रहे, चाहे वो लड़ना मरना है, चाहे वो कुछ काम करना है, जो हर वक्त तैयार रहते हैं, और वो भी घोड़े पर सवार। ठीक है, तो इसका मतलब है इस कार्ड में दमखम तो है, यस, मतलब इसके पावर है, एंथुसियाज्म है कुछ पाने का, कुछ करने का, कार्ड के अंदर एबिलिटी है। तो जो इंसान वो आया, वो जो पूछ रहा है ना किसी काम के लिए, उसमें एबिलिटी है, नो डाउट, लेकिन उसको बोलेंगे यू हैव द एबिलिटी, यू हैव द करेज, यू हैव ऑल द थिंग्स, बट प्रॉब्लम कहां पर है? प्रॉब्लम है आप जल्दबाजी में हो, जिसकी वजह से नुकसान हो सकता है। थोड़ा तो पेशेंटली हैंडल करो, थोड़ा सा धैर्य रखो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, दूसरा अब देखिए, हवा हवा जिस तरह बहती है पेड़ उसी तरफ झुकेगा, तो इसका मतलब है हवा का रुख किस तरफ है, इस तरफ, क्योंकि पेड़ किस तरफ, इस तरफ झुके हुए हैं। ठीक है, उस तरफ। हाँ ये क्या कर रहा है, हवा के रुख के अगेंस्ट जा रहा हाँ है, इसका मतलब है ये जो भी काम करने जा रहा है ना वो हवा के रुख के अगेंस्ट जा रहा है। अब इसके दो मतलब निकलते हैं, पहले बात तो बहुत एनर्जी लेवल है इसमें कि वो जो दुनिया कर रही है उससे अगेंस्ट काम कर रहा है। या हवा का रुख क्या होता है, हवा का रुख होता है सोसाइटी, समाज उसके अगेंस्ट खड़ा हुआ है। अब कोई बच्चा पूछने आ जाए मेरे से, पूछता है कि जी मैं लव अफेयर में हूं, ठीक है, और ये कार्ड निकल कर आ जाए, तो मैं सीधा बोलूंगा कि भाई जिस कल्चर जिस कास्ट से तुम आते हो ना, मतलब उन सबके अगेंस्ट जाके तुमने प्यार मोहब्बत की। फिर वो बोलेगा यस,
कि वो मेरे परिवार वाले तो बिल्कुल एंटी है मेरे, उसके प्यारों मोहब्बत के, मेरे पार्टनर के, ठीक है, उनसे लड़कर अब वो क्या चाह रहा है, वो ये चाह रहा है कि उनसे लड़कर या उनको मनाकर जैसे भी उनके अगेंस्ट खड़ा है वो, और वो ये चाह रहा है कि अब मेरा लव अफेयर मैच्योर हो गया। तो यहां तक चीजें आप पकड़ सकते। तो पहली बात तो एक बात और बताना चाहूंगा मैं कि कभी भी जब एक टैरो रीडर कोई भी सच्चे मन से रीडिंग करता है, ओके, और सीरियस नोट पर करता है, तो हमेशा जब क्वेश्चन पूछा जाता है उस क्वेश्चन का सीधा सा रिलेशन जो कार्ड निकला है उससे 101% होता है, 101%। तो जैसा कार्ड जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उस कार्ड में जो निकला है क्वेश्चन भी उसके अंदर है, आंसर भी उसी कार्ड के अंदर है, और कोई अगर रेमेडी की जरूरत है तो वो भी उसी कार्ड के अंदर है, वो भी उसी कार्ड के अंदर, ठीक है। तो यहां से हम पकड़ सकते हैं। अब इससे आप डायरेक्शन भी पता लगा सकते हो कि आपकी कोई पूछे को डायरेक्शन पता नहीं है तो डायरेक्शन भी यहां से पता लगा सकते हो। वो यहां से डायरेक्शन पता लग सकती है, इंसान के बारे में पता लग सकता है, काम होगा या नहीं होगा वो पता लग सकता है, बहुत सारी चीजें पता लग सकती है, ठीक है। तो इस तरह से चीजें बताई जाती है। चलो थैंक यू, थैंक यू तनु, थैंक यू सर, थैंक यू। टैरोटर बन सकते हो नो डाउट। चलो अब ये कार्ड निकल कर आया, दूसरे हमारे साथ कौन थी, हिना, शायद हिना जी आप हैं अभी, ओके, हिना ने शायद अपने आप को म्यूट कर लिया फिर से। हिना मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ दोबारा से, चलो हिना जी आवाज आ रही है। हाँ सर। चलो हिना जी बताइए इस कार्ड में क्या दिखता है आपको। हॉर्स के ऊपर कोई है, बच्चा बैठा है, और हाँ बच्चा बैठा है, और सन, और मतलब इट्स लुक लाइक अ सन ओनली, वो येलो रेसेस, और ऊपर एक नंबर भी है, आई थिंक इट्स 11, 10 लाइक 19, 20, ओके 19, ठीक, बहुत बढ़िया, और मतलब क्या हुआ, 9 + 1 = 10, 10 और 10 का मतलब फिर क्या हुआ, 1 + 0 = 1, ये न्यूमरोलॉजी का थंब रूल है। तो इस कार्ड के ऊपर किसकी एनर्जी है, 1 नंबर की, और 1 नंबर इज गवर्न बाय द सन, सूर्य से गवर्न होता है 1 नंबर, इसका मतलब नंबर भी कोई मतलब है, इसका मतलब इस नंबर को क्यों इसी कार्ड के ऊपर रखा गया। तो इसलिए मैं कहता हूं ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी और टैरो, ये सब चीजें टैरो पर लग सकती हैं, और मैं लगाता हूं, बताता हूं आपको कैसे लगा, ठीक है। तो 19 में 1, फिर 1 बना, 1 की फोर्स इस कार्ड के अंदर सबसे ज्यादा है क्योंकि नंबर भी 1 का आ रहा है और यहां पर सन भी आपको नजर आ रहा है। अब सूर्य देखिए, हिना जी कितना ब्राइट है यहाँ पर, मतलब कितना चमकदार, कितना खुश मिजाज। हाँ सर। और सूर्य से क्या होती है आपकी, सूर्य से आपकी जर्नी स्टार्ट होती है, सूर्य आपको इनिशिएट कराता है कोई भी चीज, सूर्य आपकी ईगो है, सूर्य आपका एक नई जर्नी को स्टार्ट बताता है, सूर्य आपके ओरिजिनल थॉट है, ठीक है, सूर्य आपकी एक जर्नी स्टार्ट बताता है, तो इतनी सारी चीज सूर्य बताता है आपको, सूर्य आपको इंडिपेंडेंटली खड़ा करता है। तो इसका मतलब है ये कार्ड जब भी आएगा, क्वेश्चन पूछा जाए किसी भी लिए, चाहे जॉब है, बिजनेस है, किसी भी चीज के लिए, हम बोल सकते हैं कि आप इंडिपेंडेंटली अपने पैरों पर खड़े हो सकते हो। किसने पूछा क्या मैं जॉब स्टार्ट कर पाऊंगा, क्या मेरी जॉब लगेगी और ये कार्ड निकल कर आ जाए, यस डेफिनेटली आपकी एजुकेशन, मान लिया किसी ने एजुकेशन खत्म की है और प्रोफेशनल लाइफ को स्टार्ट करना चाहता है, तो हम बोलेंगे आपकी प्रोफेशनल जर्नी अब स्टार्ट हो गई। कितना बढ़िया कार्ड है, किसी के जीवन में बड़ी मासूमियत छाई हुई है, इसका मतलब है क्या है? अंधकार आया हुआ है और उस अंधकार को आपके जैसे नेचर के अंदर अंधकार आता है तो उसको दूर कौन करता है, सनराइज, सूर्य उस अंधकार को मिटा देते हैं। इसका मतलब है अगर कोई कितना भी इंसान डिप्रेस्ड बैठा हुआ है मेरे सामने और वो पूछ रहा है मेरी लाइफ किस तरह जा रही है, आगे क्या हो सकता है, और ये कार्ड निकल कर आ जाए तो क्या मतलब है, जिस तरह सूर्य यहां चमक रहा है उसके जीवन में, उसके जीवन में एक प्रॉस्पेरिटी का सूरज उदय हो गया, हो गया तो मतलब हो गया, अब क्या रिसोर्स आएंगे, कहां से पैसा आएगा, कहां से खुशियां मिलेंगी, वो तो अपने आप सामने आ जाएंगे कुछ टाइम, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कार्ड ये निकल कर आया तो भाई अंधकार के दिन चले गए,
अब आप समझ लीजिए कि आपके जीवन में जिस तरह सूर्य चमक रहा है ना, उसका उजाला आपकी लाइफ में आने, ठीक है। अब ये कार्ड मान ली, कोई सामने बैठा है, कोई कपल सामने बैठा है और बच्चे के लिए कुछ पूछता है, बच्चे के लिए कंसेप्शन के लिए पूछ रहा है या बच्चे की किसी भी चीज के लिए बच्चे के लिए पूछ रहा है, उसके लिए भी कार्ड पॉजिटिव है। अब देखिए इस कार्ड में बच्चा नजर आ गया, बहुत बढ़िया, आप बोल सकते हो बच्चे की खुशी आपकी लाइफ में आने वाली है, सिंपल। कोई बच्चा ट्रैवलिंग के लिए पूछता है, मतलब कोई भी इंसान ट्रैवलिंग के लिए पूछने आया कि जी मेरी ट्रैवलिंग होगी नहीं होगी, और ट्रैवलिंग बहुत तरह से हो सकती है। कोई यहाँ पर आया उसकी प्रमोशन होगी, वो पूछ रहा है प्रमोशन, तो हम ये पूछेंगे कि क्या प्रमोशन होने के बाद आपकी ट्रैवलिंग होगी, मतलब मूवमेंट होगी, एक जगह से दूसरी जगह जाओगे आप, ट्रांसफर होती है ना प्रमोशन में, वो कहेगा हाँ यस डेफिनेटली प्रमोशन हो जाएगी, क्योंकि ये कार्ड ट्रैवलिंग का कार्ड भी है। कैसे ट्रैवलिंग का कार्ड है, घोड़ा नजर आ गया, सिंपल, और क्या चाहिए आपको। बट पहले की जर्नी में ट्रैवलिंग कैसे होती थी आपकी, घोड़े से, तो ट्रैवलिंग का कार्ड भी है। ओके, तो इस कार्ड में पूरा सूर्य है, सन का नंबर है, इस कार्ड में पूरी सूर्य की एनर्जी है, और मैं सूर्य की और क्या क्या मतलब हो सकते हैं नंबर्स के हिसाब से, ज्योतिष के हिसाब से, वो सारा आपको बताया जाएगा, ठीक। दूसरा देखिए लाइफ फोर्स, ये लाइफ फोर्स आ रही है, इंसान के पास दो तरह की लाइफ फोर्स होती है, एक मंगल की जो आपको फिजिकल एनर्जी देता है, और एक है सूर्य की जो आपको लाइफ फोर्स है, आपकी सोल का कारक है सन, तो इसका मतलब आपकी लाइफ फोर्स इस कार्ड के अंदर है, इसका मतलब लाइफ आपकी ब्राइट होने का, तो ये कार्ड इतनी सारी चीजों को बता सकता है। तो दूसरा कोई कहता है जी मेरी लाइफ बैलेंस नहीं है, और ये कार्ड निकल जाए तो हम डेफिनेटली बोलेंगे अब आपकी लाइफ बैलेंस होने वाली है। कैसे पता लगा हमें, अब ये देख लो बच्चा कितना बैलेंस बैठा हुआ है, घोड़े में बैठा है, छोटा बच्चा है, उसने बैलेंस बना रखा है, इसका मतलब अब आपकी लाइफ बैलेंस होने वाली है। तो बहुत सारे मतलब निकलते हैं, एक कार्ड के हजारों मतलब होते हैं, उन हजारों मतलब को तो नहीं निकाल सकते हम, लेकिन मुझे हजारों मतलब को कैसे पहचानेंगे, कैसे अपनी नॉलेज को बढ़ाएंगे, वो सारा आपको क्लू दिया जाता है यहाँ पर, और उन हजारों में से अब आंसर क्या देना है, ये सारा सारा पार्ट ऑफ द कोर्स है, ठीक है। और मोस्टली मैंने देखा है जो लोग पढ़े पढ़ाए भी आते हैं, जब मैं हमेशा पूछता हूँ, तो 90% लोगों को तो यही नहीं पता कि टैरो काम कैसे करता है, उन्होंने टैरो पढ़ लिया लेकिन, क्योंकि उनकी भी गलती नहीं, उनको बताया नहीं गया। तो मैं अपने कोर्स में आपको टैरो ये साइंस काम कैसे करती है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या मैथमेटिक्स है, क्या साइंस काम करती है, वो सारा आपको बताया जाता है, ओके। और जब एक कार्ड के हजारों मतलब हैं, उन हजारों मतलब में से आंसर क्या देना है, आंसर तो एक ही क्वेश्चन का एक ही दिया जाएगा, हजार आंसर तो ना दिए जाएंगे, वो सारा आपको कोर्स में समझाया जाएगा कि कैसे आंसर देना। थैंक यू विना, थैंक यू सर, आप म्यूट कर लीजिए प्लीज। तो इस तरह से एक एक कार्ड की रीडिंग, मतलब एक एक कार्ड को आपको बताया था कि कार्ड के मतलब क्या है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इससे पहले मैं आपका कोर्स कंटेंट थोड़ा एक दिखा देता हूं आपको। अब देखिए कितना बढ़िया कार्ड निकल कर आया सामने, द एम्प्रेस का कार्ड, ठीक है। अब कोई भी अपनी लाइफ के बारे में पूछता है कि जी, अब कोई बच्चा आ जाए और पूछे कि जी मेरे होने वाली कैसी होगी, बता सकते हैं क्या आप, हमका जी टैरो कार्ड तो कुछ भी बता सकते हैं, आप पूछिए तो सही। टैरो रीडिंग तब परफेक्ट आएगी जब आपकी नियत अच्छी है, बताने वाला बड़ा सीरियस नोट पे बैठा है, और पूछने वाला भी अगर सीरियस है, तो यहां पर तीन एनर्जी का खेल है, एक आपकी एनर्जी, एक सामने पूछने वाले की एनर्जी, और एक डिवाइन फोर्स, इन तीन के बारे में चर्चा हो रही है। डिवाइन फोर्स तो हमेशा सीरियस रहती है, करने वाला भी मैक्सिमम सीरियस बैठेगा क्योंकि उसका प्रोफेशन है। अगर पूछने वाला बड़ा सीरियस नोट पे क्वेश्चन को पूछता है, तो डेफिनेटली ये कार्ड आपको 100% करेक्ट आंसर देने वाले, 100%। गलती कहां होती है, गलती हमसे हो सकती है, कार्ड तो करेक्ट बता रहा है, कई बार ऐसा हो सकता है किसी टैरो रीडर से उसकी इंटरप्रिटेशन में थोड़ी कमी आ जाए, क्योंकि अगर पूछने वाला सीरियस है तो डिवाइन तो सीरियस है ही है, ओके। और हम हो सकता है उस जो उसने क्लू दिया उसको डिकोड ना कर पाए, वो मतलब हो सकता है। अब अगर किसी बच्चे ने पूछा कि जी मेरी होने वाली कैसी होगी और ये कार्ड निकल कर आ जाए, तो क्या बोलना है, सिंपल बोलना है कि भाई लग्जरी पसंद होगी। अब क्या दिख रहा है इस कार्ड में, देखिए क्राउन पहना हुआ एक सुंदर फीमेल यहाँ बैठी हुई है, ओके। इसके हाथ में राजदंड है, इसके बड़े गहरे मतलब है। अब राजदंड है मतलब एक अधिकार है इसके पास, तो अधिकार का मतलब क्या है, अधिकार का मतलब यह है कि ये पावरफुल व्यक्ति है और इसको अधिकार करने की भावना है, मतलब अधिकार चाहिए इसको, तो आप इस तरह से बोल सकते हो कि भाई हम मुझे अधिकार चाहिए, तो आपके होने वाली को अधिकार रहेगा आपके ऊपर, वो आपके ऊपर रूल करना चाहेगी, तो ये सारी चीजें बोल सकते हो आप। तो आप हर कार्ड से जो आंसर निकलता है वो बिल्कुल सटीक निकलता है, ठीक है।
अब दूसरा और क्या बोला भाई, लव एंड अफेयर करने वाली मतलब प्यार और मत में विश्वास होगा, अब कैसे पकड़ा? अब देखिए यहां पर क्या है, लव का सिंबल बना हुआ है, ठीक है, और यहां पर भी क्या है, इस कार्ड के अंदर शुक्र और जुपिटर की पूरी पूरी एनर्जी है। अब मैं बताऊंगा आपको कैसे हर कार्ड के अंदर किस नंबर की एनर्जी होती है, किस प्लैनेट की एनर्जी होती है, और उन नंबर्स के उन प्लैनेट के मतलब क्या है, उनसे कैसे रीडिंग निकालेंगे आप। तो ये कार्ड प्रॉस्पेरिटी एंड फर्टिलिटी के लिए दी बेस्ट कार्ड है, प्रॉस्पेरिटी एंड फर्टिलिटी। प्रॉस्पेरिटी आती है आपकी जुपिटर से, और जुपिटर कारक है नेचर का। अब देखिए कितनी अच्छी नेचर है, यहां फसलें होगी हुई है, पीछे पेड़ पौधे, एनवायरमेंट कितना क्लीन है। और फर्टिलिटी आती है आपकी वीनस से, और इसमें वीनस की क्वालिटी है। पहली बात तो खुद ये फीमेल है, ये वीनस का कारक है, सुंदर लड़की वीनस का कारक। ओके, यहां पर सिंबल देखेंगे, लव का सिंबल ये वीनस। और जब आप अगर ज्योतिष अगर आप नहीं जानते तो मैं बताना चाहूंगा आपको, जो ये सिंबल बनाया ना एक सर्कल और पीछे नीचे प्लस का निशान, ये वीनस का सिंबल है। क्योंकि जितने भी हमारे प्लैनेट हैं उनको सिंबल के रूप में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये वीनस का सिंबल है। इसका मतलब इस कार्ड के अंदर वीनस की एनर्जी है। ओके, और बड़े गहरे मतलब है इस कार्ड के। तो आप आएंगे कोर्स में तो आपको सिखाया जाएगा कि किक के मतलब क्या है और कैसे आप आंसर करेंगे। जी तो जैसे मैंने आपको बताया, नेक्स्ट नेक्स्ट मंडे से 16 से हमारा बैच शुरू हो रहा है, 14 डेज का हमारा कोर्स है। एक दो दिन आगे हो ही जाते हैं, पीछे तो कभी नहीं होते, एक दो दिन फालतू ही लगते हैं। ऑफिशियली 14 डेज का कोर्स है, लेकिन 15, 16, 17 डेज तक भी चले जाते हैं हमारे, क्योंकि हमारा मकसद यहाँ नंबर ऑफ डेज पूरा करने का नहीं होता, आपको चीजें डिलीवर करने का होता है। जिसकी कोर्स की फीस मैं बता चुका, 4:30 to 6 हमारी डेली मंडे टू फ्राइडे क्लास होगी, सैटरडे संडे क्लास नहीं होती, क्योंकि सैटरडे संडे मेरे कुछ रेगुलर बैच हैं ज्योतिष के और वास्तु के, वो चल रहे होते हैं। तो आपकी मंडे टू फ्राइडे क्लास होंगी और कोर्स कंटेंट आपके सामने है। सबसे पहले 78 कार्ड जो हम राइडर वेट टैरो डेक आपको पढ़ाने वाले हैं, टोटल 78 कार्ड होते हैं। तो सबसे पहले 14 दिन में से पहले 7 दिन तो मैं एक एक कार्ड के प्रोबेबल क्या मीनिंग हो सकते हैं, कार्ड से कैसे चीजों को प्रिडिक्ट करना है, कैसे चीजों को डिकोड करना है, एक एक चीज के मतलब क्या हो सकते हैं, उनका कलर, उनके नंबर, उनके जेस्चर पोस्चर, उनके हाथ की मूवमेंट, ठीक है, एक एक चीज क्या दिख रही है, उनके मतलब क्या है, वो सारा आपको समझाया जाता है। फिर उसकी एप्लीकेशन आपको बताई जाएगी अगले 7 दिन। तो पहले मीनिंग ऑफ 78 कार्ड आपको बताए जाते हैं। इसमें से 22 मेजर कार्ड होते हैं, 56 माइनर कार्ड है, और मेजर कार्ड के मतलब क्या है, माइनर कार्ड के मतलब क्या है, सारा आपको सिखाया जाता है। इसके बाद होते हैं कुछ कोर्ट कार्ड बोलते हैं, कोर्ट कार्ड, तो कोर्ट कार्ड पेजेस नाइट क्वीन और किंग, इन कार्ड के मतलब क्या है, इनको कैसे रीड करना है, सारा बताया जाएगा। इसका बेसिक ऑफ टैरो रीडिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ टैरो, टैरो का इंट्रोडक्शन क्या है, मीनिंग ऑफ टैरो, टैरो का वर्ड का मीनिंग क्या है, एडवांटेज ऑफ टैरो, टैरो के एडवांटेज क्या है। जैसे मैंने 2 एडवांटेज आपको बताई है और एडवांटेज मैं आपको अभी बताने वाला हूँ और क्या क्या हो सकती है। फिर टैरो डेक कितने तरह के होते हैं, हिस्ट्री क्या है टैरो के पीछे, टैरो कहाँ से आए, क्योंकि बीइंग ए कंसल्टेंट आपको एक एक चीज पता होनी चाहिए, तभी आप अच्छे रीडर बन सकते हो। फिर साइकोलॉजी ऑफ टैरो, टैरो के पीछे साइकोलॉजी क्या है, और हाउ द टैरो कार्ड वर्क, ये टैरो कार्ड काम कैसे करते हैं, कार्ड ही तो है, ये काम कैसे करते हैं, ठीक। फिर है हाउ टू प्रिपेयर योर सेल्फ, तो प्रिलिमिनरीज ऑफ टैरो कार्ड रीडिंग, अपने आप को तैयार कैसे करें। तैयार का मतलब ये नहीं कि मेकअप करके बैठेंगे तो रीडिंग अच्छी जाएगी, ओके, वो अलग बात है, आप बैठ सकते हो, लेकिन अपने आप को तैयार करने का मतलब ये है कि टैरो रीडिंग एक साइकिक रीडिंग है, आपकी इंट्यूशन काम आएगी यहां पर, तो उस इंट्यूशन को, साइकिक को पकड़ने के लिए आपने एक एनवायरमेंट क्रिएट करना होता है और अपने आप को तैयार करना है इसके लिए। वो कैसे करेंगे, क्या क्या मेरी गाइडलाइन रहेंगी, उसको फॉलो करना पड़ेगा, ओके, वो आपको सारा सिखाया जाएगा। फिर वास्तव टैरो रीडिंग, वास्तव टैरो रीडिंग का मतलब है जिस स्पेस में आप बैठकर रीडिंग करेंगे वो स्पेस का एनवायरमेंट कैसा होना चाहिए, आपके आसपास क्या क्या चीज रखी होंगी, कौन से कलर यूज करेंगे, कौन कौन से ऑब्जेक्ट अपने पास रखने हैं, किस तरह फेस करके रीडिंग करनी है, और इवन तक कि मैं तो आपको आपकी पर्सनल कुंडली देखकर ये तक बताता हूं कि आपकी जब आप रीडिंग करते हैं तो कौन कौन से दिन आपके रीडिंग में अच्छे जाएंगे, कौन कौन से दिन खराब जाने वाले, और उन दिनों में भी पर्टिकुलर किसी एक दिन के अंदर किस टाइम में आप रीडिंग करते हैं तो आपकी रीडिंग अच्छी जाएगी, और किस टाइम में आप रीडिंग करते हैं तो आपकी रीडिंग खराब जाएगी। ये मैं यहाँ पर मैं एस्ट्रोलॉजी का यूज करता हूँ, और जिनको थोड़ी ज्योतिष आता है उनको बता भी देता हूँ मैंने कैसे पकड़ी है सब चीजें, और नहीं तो एटलीस्ट आपके बारे में तो बता दूंगा कि भी आपके ये दिन अच्छे होते हैं किसी भी महीने के, और उन दिनों में कौन कौन से घंटे आपके अच्छे होंगे जिस दिन आप रीडिंग करते हैं, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रहेगी आपकी रीडिंग की एक्यूरेसी बढ़ जाए।
ठीक है, तो इतना कोई नहीं बताएगा क्योंकि ये ज्योतिष का विषय है और भगवान की ऐसी कृपा मैं 6-6 हज़ार पढ़ा लेता हूँ। ठीक है, तो आपको ये एडिशनल टूल देता हूँ मैं। फिर आगे है शफलिंग कैसे की जाएगी, कार्ड की कटिंग कैसे की जाएगी, वो सारी चीज आपको सिखाई जाएगी, छोटी छोटी चीजें होती हैं। फिर है टेक्निक ऑफ टैरो रीडिंग, फिर टेक्निक सिखाई जाएंगी कि टैरो में से रीड कैसे किया जाता है। अब वो रीडिंग कभी एक कार्ड से लेकर आप 5-6 कार्ड तक सीख सकते हैं कि एक कार्ड का यूज करके आंसर कैसे देना है, 2 कार्ड का, 3 कार्ड का, 4, 5, 6, इतने मल्टीपल कार्ड का यूज करते भी आप कैसे रीडिंग देंगे। फिर एडवांस टेक्निक आती है कुछ कि यस और नो का आंसर कैसे देना है, उसमें 3 कार्ड का यूज करते हुए, 5 कार्ड का यूज करते हुए यस और नो कैसे निकालेंगे, क्योंकि कुछ लोग यही पूछ रहे हैं कि भाई यस और नो बता दो कि मैं काम करूं या नहीं करूं, काम होगा या नहीं होगा। तो किसी भी आंसर का यस और नो में कैसे आंसर देना है टैरो कार्ड यूज करते हुए, वो भी 3 कार्ड और 5 कार्ड का यूज करते हुए बताया जाएगा। फिर आपको एडवांस और चीजें हैं, होर्सशू स्प्रेड, एक बहुत ही ऑथेंटिक और फेमस स्प्रेड है, वो आपको सिखाया जाएगा। फिर 1 ईयर स्प्रेड, 1 ईयर का स्प्रेड का मतलब है कोई मान ले अगस्त में हमारे पास आया रीडिंग लेने और अगले अगस्त तक, अगले जुलाई तक 1 साल की रीडिंग आप उसको दे सकते हो कि हर महीने उसके साथ क्या हो सकता है, तो 1 साल की रीडिंग कैसे की जाएगी वो आपको सिखाया जाएगा। फिर इसमें 2-3 स्प्रेड हो सकते हैं, 7 सिस्टर, रिलेशनशिप और 7 चक्रा, इनमें से हम 1 या 2 आपको पढ़ा देते हैं जो आप कहते हो। तो रिलेशनशिप में लोग ज्यादा रहते हैं क्योंकि आजकल रिलेशनशिप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो 2 बंदों की रिलेशनशिप कैसे आप डिकोड करेंगे, ठीक है। और 7 चक्रा में भी आपको थोड़ा क्लू देते हैं कि आपकी बॉडी में 7 चक्र हैं, उस 7 चक्र में कौन सा चक्रा वीक है और क्यों वीक है, ठीक है, वो आपको खिंडे दे देंगे, आप अगर हीलिंग साइड में है तो उसको यूज कर सकते हो, सिंपल। फिर है नेक्स्ट जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टूल है, ये तो कोई भी सिखा देगा आपको जो मैंने अब तक बताया, लेकिन जो मैं आप बताने वाला हूं ये मुश्किल से 5% भी अगर बोलूं तो बहुत ज्यादा बोलू, 5% लोग भी ये नहीं सिखा पाते, क्योंकि जो टैरो पढ़ाते हैं अब तक जो करते आए हैं, अब साल 2 साल से हो सकता है थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है क्योंकि लोगों ने अब मल्टीपल चीजों में सीखना शुरू कर दिया है, क्योंकि अब मैं जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ वो टैरो के साथ साथ, जब आप न्यूमरोलॉजी आती होगी आपको अच्छी वाली, ज्योतिष आपको आता होगा अच्छे वाला, वास्तु आपको आता होगा अच्छे वाला, वो ही पढ़ा सकता है, और ऐसे बहुत कम लोग हैं इस ऑकल्ट वर्ल्ड में जो सारी साइंसेस जानते हैं। ओके, टैरो वाला सिर्फ टैरो जानता है इसलिए वो टैरो पढ़ा रहा है, भगवान की हमें ब्लेसिंग है सारी चीज जानते हैं, तो हम हर साइंस के अंदर कोशिश करते हैं कि और साइंसेस का कैसे हम अच्छे से इस्तेमाल कर पाए। ओके, तो ये हम यूज करते हैं। तो टाइमिंग ऑफ इवेंट इन टैरो रीडिंग, तो सबसे जो मुश्किल चीज है टैरो के अंदर वो है टाइम फ्रेम करना। यहां पर हर टैरो रीडर थोड़ा थोड़ा मार खाता है, मेरे बीच में हो सकता है 2-3, क्योंकि हर वेबिनार में 2-4 टैरो रीडर जो एक्सपर्ट टैरो रीडर है वो भी आते हैं, तो भाई नॉलेज मिलती है अच्छी बात है, आइए और हम तो ओपनली सबको इनवाइट करते हैं, उनको भी अपने दिल में जाकर झांक के देखें तो वो भी यही कहेंगे, क्योंकि मेरे पास रोज आना फोन इसलिए आते हैं जो पढ़े पढ़ाए लोग होते हैं कि सर टाइमिंग में दिक्कत आती है, सर टाइमिंग में दिक्कत आ रही है, सर बता दो कैसे होगा, कोई एडवांस है क्या, सिर्फ टाइमिंग पढ़ा दिए बाकी तो मैं सारा। मैं कहता हूँ भाई अब अगर आपको आता तो है वो ठीक है, लेकिन पढ़ना तो मेरे से पूरा ही पड़ेगा, मेरा तो पार्ट ऑफ द कोर्स है, अब ऐसा नहीं मैं टाइम अलग बताऊं, क्योंकि जो टूल मेरे पास है ना पढ़ाने में भी, बेशक आपको कार्ड जितना मर्जी आता है लेकिन आप मेरे से पढ़ेंगे ना तो हर कार्ड के अंदर 10 चीजें तो ऐसी होंगी जो आपने सोची भी नहीं होगी, जो मैं बता दूंगा कि एंगल क्या है, क्या तरीका होता है देखने का कार्ड, क्योंकि सबके अपनी नॉलेज है। जब मैं आपको चीज पढ़ा रहा हूँ ना आपको, तो मैं अपना सारा एक्सपीरियंस लगाता हूँ उसमें, जो 10 साल का एक्सपीरियंस है, चाहे वो ज्योतिष का हो, वास्तु का, न्यूमरोलॉजी का, मैं सारी चीज हर कार्ड के अंदर लगाता हूँ, तो आपको बताते हैं कैसे कार्ड से कार्ड को कैसे पहचानना है। ओके, इसके अंदर टाइम फ्रेम बड़ा मुश्किल है टैरो, क्योंकि आपने देखा कार्ड मैंने आपको दिखाया है, इस कार्ड में यस और नो, हाँ ना, काम होगा नहीं होगा, थोड़ी प्रैक्टिस करने के बाद बहुत इजी है, आप बता सकते हो, नो डाउट, 15-20 दिन, महीना प्रैक्टिस कीजिए, 2 महीना आ जाएगा, लेकिन टाइम फ्रेम में थोड़ी दिक्कत आती है, सिर्फ और सिर्फ अगर टैरो कार्ड का यूज करेंगे उसके लिए टाइम फ्रेम निकालेंगे कि कब काम कब होगा, वो बड़ा मुश्किल है, बहुत टेढ़ी खीर है, बहुत ही टेढ़ी खीर है। फिर तो आपको जो इंट्यूशन आ रही है, इंट्यूशन लेवल पर जाओ, सोचो तो बता दो, और वो टाइम फ्रेम में ना इंट्यूशन भी काम नहीं करती थी बार। और क्यों नहीं करती, मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि टाइम फ्रेम क्यों नहीं किया जा सकता, ये भी आपको कोई नहीं बताने वाला, पूछ लेना किसी से पढ़ाने वाला थे कि भाई इसमें टाइम फ्रेम करने में दिक्कत क्यों आती है, नहीं बता पाएगा, ठीक है। और टैरो कार्ड काम कैसे करता है ये भी बहुत कम लोगों को पता है, पढ़ तो दुनिया ने रखा है, लेकिन कहते हैं ना एक तो होता है पढ़ना, पढ़ लिया बस, एक होता है जानना, सब्जेक्ट को जानो, पढ़ो मत, पढ़ तो दुनिया रहती है, जानो उसको, खोना पड़ता है, उसकी इनडेप्थ में जाना पड़ेगा, तब वहां से निकल के आती है चीज। तो यूज नंबर ऑन टैरो इन टाइमिंग ऑफ इवेंट, तो पहली बात तो यूज नंबर ऑन द टैरट, टैरो हर कार्ड के, टैरो कार्ड के ऊपर नंबर है। सबसे पहले तो हम
उसका उनका यूज कैसे किया जाए वो आपको पढ़ाएंगे। फिर अप्लाइड न्यूमोलॉजी, मतलब मैं आपको न्यूमोलॉजी पढ़ाता हूँ अपने कोर्स में जितनी जरूरत पड़ती है। न्यूमोलॉजी में न्यूमोलॉजी का यूज करते हुए कैसे टाइम फ्रेम करेंगे वो आपको पूरा सिखाया जाएगा, और इन नंबर्स के मतलब क्या होते हैं, वन नंबर का मतलब क्या है, ओके टू नंबर का मतलब क्या है, और जब ये नंबर आपकी लाइफ में आते हैं तो किस किस तरह के इवेंट आपकी लाइफ में हो सकते हैं, तो उनको मतलब क्या है, उनको कैसे टैरो के साथ कोरिलेट किया जाएगा, ये पूरा आपको कोर्स में सिखाया जाता है। ओके नेक्स्ट है टैरो एंड एस्ट्रोलॉजी। अब शुरुआत में जब आपने पढ़ाना शुरू किया था ना, लोगों को फोन आते हैं कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, टैरो अलग चीज, न्यूमरोलॉजी ज्योतिष अलग चीज है, तो कैसे आप यूज कर सकते हो। लेकिन जब हमने लोग पढ़ के जा चुके हैं, वो बताते हैं, वो यूज करते हैं, तो आपको समझ में आती है। अब क्योंकि टैरो में ज्योतिष, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो टैरो और ज्योतिष दोनों जानते हैं, और जानते भी तो पढ़ाते नहीं हूँ ये भी, मतलब तो पढ़ाने वाले बहुत कम है जो टैरो और ज्योतिष दोनों आता है। ओके तो आपको बताया जाएगा कि टैरो और ज्योतिष का कैसे कोरिलेशन है। ओके फिर है होरोस्कोप स्प्रेड, जिस तरह से एक ज्योतिषी कुंडली के माध्यम से बताता है कि आपकी लाइफ में क्या क्या चल रहा है, किस सेक्टर में क्या चल रहा है, इसी तरह से मैं आपको कार्ड का यूज करते हुए और ज्योतिष को मिलाकर आप भी उसकी लाइफ के किस सेक्टर में प्रॉब्लम चल रही है और कहां उसकी खुशियां रखी है वो आप भी बता सकते हो। और अप्लाई होरोस्कोप इन स्प्रेड इन होरोरी एस्ट्रोलॉजी, होरोरी मतलब प्रश्न, जिस तरह एस्ट्रोलॉजर प्रश्न कुंडली बनाकर आपके बारे में बताता है, इस तरह आप भी प्रश्न कुंडली बनाकर विद द हेल्प ऑफ टैरो बता सकते हो इसकी लाइफ में क्या चल रहा है। अब इसका ये नहीं कि आपको न्यूमरोलॉजी आनी चाहिए, वास्तु आना चाहिए, ज्योतिष आना चाहिए, आपको कुछ आने की जरूरत नहीं है। आपको चाहे इन ये नाम नाम भी आपने पहली बार सुने हो तब भी आप सीख लेंगे, क्योंकि जितनी जरूरत पड़ेगी उतनी मैं आपको सिखा देता हूँ। ओके ये नहीं बहुत ज्यादा ज्योतिष के टूल आए एक दो, वो आपको यूज करने पड़ेंगे और कैसे करने हैं वो आपको सिखा दूंगा। फिर टैरो एंड द पामिस्ट्री, पामिस्ट्री का कैसे यूज करेंगे टैरो में। आ गया टैरो एंड मेडिटेशन, बताया आपको व्हाट इज मेडिटेशन, बताया जाएगा यूजिंग टैरो कार्ड फॉर द मेडिटेशन ऑन ए स्पेसिफिक लाइफ पर्पस। टैरो इतना बढ़िया टूल है कि अगर आप अपनी लाइफ में किसी डिजायर को फुलफिल करना चाहते हो तो मैं कहता हूं बिना किसी रेमेडी के, सिर्फ कार्ड को मेडिटेट कर भी आप अपनी लाइफ में उस इवेंट को घटा सकते हो, कितनी बड़ी बात है। तो कैसे करनी है, किस डिजायर के लिए कौन सा कार्ड यूज करना है, सब सिखाया जाएगा। मेडिटेशन स्टेप बाय स्टेप कैसे की जाती है वो आपको सारा सिखाया जाएगा। फिर मेडिटेशन किस पर्पज के लिए मेडिटेशन की जाए, मतलब लाइफ में प्यारों पर चाहते हो, पैसा चाहते हो, नेम फेम चाहते हो, स्ट्रेंथ चाहते हो, पावर क्या चाहिए आपको लाइफ में, वो चीज किस कार्ड से मिलेगी आपको, वो आपको बताऊंगा, और उसको कैसे यूज करके मेडिटेशन लेवल पर आप उस लाइफ उस इवेंट को मैनिफेस्ट कर सकते हो, उस लाइफ में उस चीज को अपनी लाइफ में ला सकते हो, वो सारा आपको सिखाया जाएगा। क्योंकि मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि आप अपने क्लाइंट को भी आगे ये चीज ये बता सके। फिर लास्ट है टैरो एंड द क्रिस्टल मैजिक, तो सबसे बढ़िया बात आपको सिखा दे, लेकिन आपको रेमेडी देनी आगे। रेमेडी में आपको 5 तरह की रेमेडी बताता हूँ, सबसे बढ़िया तो रेमेडी होती है क्रिस्टल से, तो क्रिस्टल से कैसे रेमेडी बनाई जाती है वो आपको सिखाया जाएगा। दूसरा हर कार्ड से रेमेडी कैसे बनाएंगे, जब हम एक एक कार्ड को रीड करेंगे तो मैं आपको वहां बताऊंगा इस कार्ड से रेमेडी कैसे क्रिएट करनी है आपने, तो हर कार्ड से रेमेडी कैसे बनाई जाएगी वो आपको सिखाया जाएगा। फिर क्रिस्टल किस पर्पज के लिए कौन सा क्रिस्टल चूज करेंगे, उस क्रिस्टल को चार्ज कैसे करना है, उस क्रिस्टल की क्लिंजिंग कैसे करनी है वो आपको सारा सिखाया जाएगा। फिर रेमेडी में मैं आपको रुद्राक्ष से कैसे रेमेडी करनी है, मंत्रों से कैसे रेमेडी करनी है, कलर से कैसे रेमेडी करनी है, नंबर के यंत्रों से कैसे रेमेडी की जाएगी, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। फिर क्या स्पेल करना है, कौन सी कैंडल जलानी है, कैसे सामने रखना है, वो सब चीजें आपको बताया जाएगा। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट रिवर्स कार्ड। अभी तक आपने रिवर्स कार्ड, अगर किसी को पता है तो रिवर्स कार्ड आपने एक तरीके से पढ़े होंगे, आपको पता है सीधा कार्ड ऐसा है तो रिवर्स का मतलब इसका उल्टा कर दो, ऐसा नहीं है, रिवर्स कार्ड के अपने बड़े गहरे मतलब हैं। ओके तो मैं आपको 10 तरह से रिवर्स कार्ड पढ़ाता हूँ, तो रिवर्स कार्ड भी हमारे कोर्स में है, तो हमारा कोर्स बिल्कुल कंप्लीट कोर्स है। मेरा फोकस आपको कार्ड को बताकर, एक एक कार्ड का मीनिंग बताकर, उन कार्ड को मल्टीपल कार्ड का यूज करते हुए कैसे उनसे आंसर लेना है वो आपको सिखाया जाएगा, कुछ स्प्रेड आपको सिखाए जाएंगे, फिर मैं आपको इतना मैच्योर कर देता हूँ कि आप अपने स्प्रेड खुद बनाना सीख जाएंगे। मैं आपको 2-4 बनाकर दिखाऊंगा कि कैसे अपने किसी भी इवेंट के लिए आपने अपने डिजाइन कर सकते हो, तो आप आगे, क्योंकि मैंने कहा ना मैं आपको लेबर नहीं बनाता कि जो दुनिया करते आ रहे वो क्यों करो, आप अपने पैटर्न खुद बनाओ, जब आप सीख ले तो पैटर्न खुद बनाओ ना, अपने दूसरे को क्यों फॉलो करते हैं, मेरे पैटर्न क्यों फॉलो करो, अपने पैटर्न खुद बना लो, मैं इतना सक्षम बना देता हूँ। दूसरा इन सब साइंसिस का, चाहे ज्योतिष है, टैरो है, न्यूमरोलॉजी है, क्रिस्टल है, इनको कैसे यूज करेंगे, ये सारे चीज आपको दे जाती है और आप दी बेस्ट टैरो रीडर हमारे यहाँ से बनकर। तो ये सारा सारा कोर्स है,
आप आएंगे सीखेंगे तो आपको मजा आएगा। तो ये हमारा पूरा पीपीटी रहती है, इस पीपीटी से आपको पूरी पढ़ाया था, जैसे दो कार्ड का यूज करते हुए कैसे आप प्रेडिक्शन करेंगे, इससे वो सारा चीज बताया जाएंगे, दो कार्ड तीन कार्ड, ठीक है, तो ये सारी चीज आपको बताई जाती है। फिर जो एडवांटेज ऑफ टैरो कार्ड रीडिंग, ओके, तो इस तरह की आपको ये हमारी पीपीटी है, नई पीपीटी हमने बनाई है, जैसे आपको मैं दिखा रहा था, एक बार और दिखा देता हूँ, तो आपको वो भी अब आप आगे से हम वो भी प्रोवाइड करा रहे हैं आपको, ठीक है। ये हमारी नई पीपीटी है, बनकर आई है, तो ये आपको पूरी एज इट इज दी जाती है, ठीक है। एक एक कार्ड के आपका देख रहे हैं यहाँ पर कार्ड है, इस कार्ड के जो प्रोबेबल मीनिंग है वो तो यहाँ कुछ रखे हुए लिखे हुए हमने, ओके, कुछ यहाँ पर जो कार्ड में मैं ओरली बताता हूँ आपको, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ऐसे ही पढ़ाया जाता है, एक कार्ड से, एक कार्ड है, द हायरोफेंट कार्ड है, कार्ड के ऊपर पिक्चर है, इसके क्या मीनिंग हो सकते हैं, ओके, इस कार्ड के क्या चीजें निकालें, कैसे देखेंगे इस कार्ड, इससे आंसर कैसे निकालेंगे, तो ये चीज आपको एज इट इज दी जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले बताता है एडवांटेज ऑफ टैरो, टैरो क्यों पढ़ना चाहिए, इसके एडवांटेजेस क्या है। सबसे पहले बोला करेक्टर एनालिसिस, तो किसी को बारे में जानना है, वो इंसान का नेचर बिहेवियर कैसा है, करेक्टर का मतलब गुड और बैड से नहीं है, किसी इंसान को अगर जानना चाहते हो टैरो बहुत अच्छा मीडियम है। टैरो एक एक चीज उसके बारे में, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है एट प्रेजेंट, वो बता देता है, कितना बढ़िया टूल है। फिर ग्लिम्सिस ऑफ फ्यूचर, फ्यूचर में क्या हो सकता है इसकी, और यहाँ फ्यूचर और पास्ट की जब हम बात करते हैं तो बहुत आगे का फ्यूचर नहीं है और बहुत पीछे का पास्ट नहीं है। टैरो रीडिंग की एक लिमिटेशन है, और ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये काइंड ऑफ प्रश्न कुंडली है, जैसे जिस तरह एक एस्ट्रोलॉजर ऑन द स्पॉट अगर आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं हो कहेगा चलो अभी प्रश्न पूछो मैं अभी की कुंडली बनाता हूं, तो क्या कर रहा है, अभी आपने क्वेश्चन पूछा उसी क्वेश्चन की इसी मोमेंट की कुंडली बना रहा है वो, और हम भी तो ये कर रहे हैं, टैरो भी तो ये कर रहा है कि आपने कोई प्रश्न पूछा है वहां पर वो कुंडली बनाकर बताता है, और हम यहाँ पत्ते कार्ड निकाल कर बता रहे हैं आपको, तो ये काइंड ऑफ प्रश्न कुंडली है। और प्रश्न कुंडली में साफ साफ ऋषि ने लिखा है कि प्रश्न कुंडली जो सटीक काम करती है वो 9 महीने से लेकर 1 साल तक का काम करती है, उसके आगे का नहीं बताना चाहिए, तो टैरो की लिमिट है, तो ये बहुत पुराना पास्ट और बहुत आगे का फ्यूचर नहीं बताती, और जो लोग बताते हैं वो भगवान की मर्जी, वो कैसे बताएं, ओके, ये मैं लॉजिकल बात बता रहा हूं जो ऋषियों ने लिखा है, मेरा अपना कुछ नहीं है इसमें, और उन्होंने कुछ लिखा है तो कुछ सोच समझ के लिखा होगा, ठीक है। फिर है सॉल्यूशन ऑफ इमीडिएट डिलेमा, अब कई बार क्या होता है, मान लीजिए मैं ज्योतिषी हूं, मैंने किसी कुंडली देखी और उसमें जुपिटर में वीनस की दशा चल रही है, वो 3 साल चलने वाली है, 3.5 साल, अब उस 3.5 साल में से मैं पकड़ना चाहूंगा भाई अब 3.5 साल में क्या होगा, वो कह रहा कि मुझे आज दिक्कत हो रही है, और वो दिक्कत हो सकता है उसकी 2-3 दिन की हो, फिर खत्म हो जाएगी। अब उस 2-3 दिन की दिक्कत को समझने के लिए मुझे ज्योतिष का सहारा लेता हूं तो 5 लेवल की दशाएं पढ़नी पड़ेंगी, और ये मैं बता दूंगा आपको अच्छे से अच्छा एस्ट्रोलॉजर चाहे वो 50 साल से ज्योतिष कर रहा है वो भी 5 लेवल की दशा का यूज नहीं करता, क्योंकि 5 लेवल की दशा को समझने के लिए बहुत नॉलेज चाहिए, तो बहुत कम लोग हैं जो 5-5 लेवल की दशाओं को पढ़ते हैं समझते हैं, हम 1 महीना 2 महीने 4 महीने एक टाइम फ्रेम कैसे चल रहा है उसके बारे में तो बात कर सकते हैं, लेकिन अगर ज्योतिष इतना पिन पॉइंट पकड़ना शुरू कर दे कि आज क्या होगा कल क्या होगा, बहुत टिपिकल टास्क है एस्ट्रोलॉजी का यूज करते हैं, ओके। लेकिन टैरो में आप टैरो बहुत अच्छा क्लू देते हैं, टैरो बहुत अच्छा क्लू देते हैं कि अभी इसकी लाइफ में क्या चल रहा है एट प्रेजेंट, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, टैरो बहुत अच्छा क्लू देते हैं। तो कई बार क्या सोल्यूशन नहीं मिल रहा होता, मैंने जुपिटर की रेमेडी दी, वीनस की रेमेडी दी, वो पता नहीं कब काम करेगा, और पता नहीं जो आज की डेट में जो प्रॉब्लम है वो पता नहीं कौन सा प्लैनेट उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, क्योंकि जुपिटर वीनस तो अच्छे हैं, जो महादशा चल रही है अंतरदशा चल रही है, लेकिन कई बार होता है ना कुछ घंटों की कुछ दिन की दशाएं आएंगी वो प्लैनेट खराब है तो वो 1-2 दिन खराब करके चला जाएगा। तो यहाँ पर आप इमीडिएट डिलेमा मतलब इमीडिएट क्या सोल्यूशन है उस प्रॉब्लम का वो बता सकते हो आप टैरो का यूज करते हो, कितना बढ़िया टूल है, तो ये बढ़िया है। पहले हेल्पिंग इन मेडिटेशन, तो टैरो मेडिटेशन में बहुत हेल्प करते हैं, और मेडिटेशन करने के फायदे क्या है, डेवलपिंग द इंट्यूटिव पावर, जब मेडिटेशन करना शुरू करते हैं तो आपकी इंट्यूटिव पावर डेवलप हो जाती है, कितना बढ़िया टूल है, और आपको पता है कोई भी आप साइंस करेंगे उसमें इंट्यूटिव पावर चाहिए, क्योंकि प्रेडिक्शन कंटेंट प्लस इंट्यूशन से आती है। तो आप आएंगे कोर्स में ये सब चीजें सीखते हैं, तो हम अपने कोर्स के अंदर राइडर वे टैरो डेक यूज करते हैं, ओके, डेक बहुत तरह के होते हैं लेकिन ये ऑथेंटिक है बिल्कुल, मतलब सबसे एनर्जाइज कार्ड है, पढ़ाने का तो मैं ओशो जन भी पढ़ा सकता हूँ, एंजल कार्ड भी पढ़ा सकता हूँ, बहुत सारे कार्ड आ गए हैं अब तो, साई कार्ड है, रामायण कार्ड है, बहुत सारे कार्ड है, लेकिन सबसे पहले राइडर वेट पढ़ने चाहिए, कार्ड में अगर एंट्री कर रहे हो इस वर्ल्ड में तो राइडर वेट पढ़िए सबसे पहले, वाकई में ये एनर्जाइज कार्ड है बिल्कुल, मतलब आपको हाथ में लेंगे ना जब आप सीख जाएंगे तो आपको पता लगता है आपके हाथ में एनर्जी फील होती है,
तो राइड एट वेट क्यों इज द इजिएस्ट टू वर्क विद, इजी टू टीच एंड इजी टू लर्न. तो ये कहाँ से बनाया, किसने बनाया, वो सारा लिटरेचर आपको हम कोर्स में पढ़ाने वाले हैं आगे. टोटल 78 कार्ड होते हैं आपके, ठीक है, तो इनके मतलब क्या है वो सारा सारा आपको बताया जाएगा, ठीक है. तो ये सारी चीजें जब आप कार्ड में आते हैं, कोर्स में आते हैं, तो आपको चीजें सिखाई जाती है, ठीक है. तो यहाँ पर भी एक एक कार्ड की मीनिंग है, कार्ड दिखा हुआ मीनिंग उसके हैं, तो वो सारा ऐसा पढ़ाया जाएगा. लेकिन हम नई पीपीटी बन गए तो आपको वो भी चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा, हम वो भी आपको प्रोवाइड कराते हैं. तो अभी अगर किसी ने कोर्स के बारे में कुछ पूछना है तो कोई भी पूछ सकता है. और क्या मतलब कोर्स के बारे में अगर किसी ने कुछ डिस्कस करना है तो मैंने सभी को अलाउ कर दिया, एक एक करके हैंड रेज करेंगे, और अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं. सर जी, या मैं विजयलक्ष्मी मुंबई से बोल रही हूँ सर. सर मुझे ये पूछना था कि एस्ट्रोलॉजी का जब वो भाग्यांश और ये महादशा ये सब निकालते हैं तो उसको प्रॉपरली हमें समझाया जाएगा, क्योंकि मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ. संदीप सर से मैंने अभी न्यूमरोलॉजी सीखा है मे मंथ में. हाँ. I started my practice also, but ये वैदिक का ये जो पार्ट है ना महादशा और ये, तो उसमें हम लोग थोड़ा सा ऊपर. नहीं, वो तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं ना, आप ज्योतिष सीखेंगे वहाँ सिखाया जाएगा ना. तो अच्छा, तो आपने अभी बताया था ना कि इसमें भी यूज करेंगे हम थोड़ा. इसमें जितना टैरो में ज्योतिष की जरूरत पड़ेगी, जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वो सिखाऊंगा ना मैं आपको. ज्योतिष अपना में सब्जेक्ट है मैडम, ज्योतिष का कंटेंट समझने में 2 साल लगेंगे आपको. I know, उसको तो मैं हाथ ही नहीं लगाऊंगी पहले बात, तो अपना दिमाग नहीं, हाथ नहीं लगा, लगाइए, सीखिए, बहुत अच्छा टूल है. सर बहुत, उसके लिए बहुत दिमाग होना चाहिए, उतना है नहीं अपने पास. अगर आपने न्यूरोलॉजी सीखी ना, अब मैं एक बात और बता दूं आप सभी को, ईमानदारी से बताता हूं. देखिए मैं झूठ फेट नहीं बोलता कभी ना, मेरे को मतलब है कि मैं किसी को अटैक कर रहा हूं. न्यूमरोलॉजी और टैरो ये दी बेस्ट कॉम्बिनेशन है, दी बेस्ट. जब आप पढ़ लेते हैं ना तब आपको पता लगता है, दोनों एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं. हाँ वही तो, बस मुझे आ जाएगा ना सर, उसकी गारंटी आप लीजिए तो मैं पक्का सीख लूंगी. मैडम आप देखिए यहाँ 40 लोग हैं, अब इन 40 लोगों को हाजिर नाजिर जानकर मैं बोल सकता हूँ. और ये वेबिनार है, ये एज इट इज यूट्यूब पर जाएगा, तो इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं. हाँ सर भाई, ये तो यहाँ ना मैं अकेले में बात कर रहा हूँ आपसे. हाँ मैडम मैं कुछ गलत कमिटमेंट कर रहा हूँ, ठीक है. यहाँ तो हम दिल ठोक के बोलते हैं कि भैया ऐसा कोई आज तक हुआ नहीं, 10 साल की जर्नी में कोई ये बोल दे कि मुझे नई चीज आई, आज तक अभी ऐसा नहीं हुआ. बहुत इंटरेस्टिंग लगा और थोड़ा सा बहुत इंटरेस्टिंग अच्छा है मैडम, जब आप पढ़ेंगे तो पता है, पता लगेगा. सर द वे यू टीच सर वो बहुत ही अच्छा डिफाइन वे में था, समझ में आ गया. चलो बस ऐसे ही होता है और क्या, वरना टैरो में तो मैं इतने भारी भरकम शब्द यूज करता हूँ, आप भी सर पकड़ के बैठ जाएंगे सर ये क्या होता है. मुझे भारी भरकम शब्द भी आते हैं इसके, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे आपको समझाना है. मैं लेमैन की भाषा में समझाता हूँ ताकि आप समझ सके, मुझे थोड़ा समझना है, मुझे आपके प्लेटफॉर्म पर उतर कर आपको समझाना है, ठीक. मुझे अपने आपको थोड़ा समझाना है, तो आप जिस लैंग्वेज में समझ सके, जिस प्लेटफॉर्म पर आप हो. अब आप बिल्कुल नीचे खड़े हो तो मुझे नीचे झुककर पढ़ाना पड़ेगा ना आपके प्लेटफॉर्म पर आकर. तो अच्छा टीचर वो होता है वो अपने प्लेटफॉर्म पर नहीं, वो सामने वाले के प्लेटफॉर्म पर उतर कर उसको पढ़ाए. इसलिए तो मैं कहता हूँ कि आपका प्लेटफॉर्म चाहे जितने मर्जी नीचे हो, मैं उतने नीचे जाकर आपको उठा के ले आऊंगा, ठीक है. तो ये मतलब थैंक यू सर, थैंक यू सर. मैं बोलता हूँ आप आइए, मैं सिखा दूंगा गारंटी. एबीसीडी कुछ भी नहीं आता है अपने. अच्छी बात है, नहीं आता तभी तो आराम से सीख लोगे. अगर आता होता तो पहले वो गलत जो पढ़ाया आपने बाय चांस गलत पढ़ा, बाय चांस मैंने कहा ना गलत ही पढ़ा, बाय चांस कोई गलत चीज पढ़ी है पहले उसको हटाना पड़ता फिर आपको सिखाना पड़ता, तो डबल मेहनत मेरी हो जाती है ना फिर. आपको अच्छा कुछ नहीं आता तो दी बेस्ट बन के जाओ. थैंक यू सर, थैंक यू सर. जय श्री, जय श्री. अंजू हाँ जी कुछ पूछना है. हाँ नमस्कार. यस प्लीज. एक तो आपका आशीर्वाद चाहिए सर, आज बर्थडे है मेरा. अरे वाह, गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू. और बस दूसरा रिक्वेस्ट था, अभी लास्ट से सेकंड लास्ट वेबिनार में आपने उस दिन नाम लिखवाए थे मुझसे कि आप लोगों के सवाल लेंगे. अच्छा कोई बात नहीं, न्यूमरोलॉजी की थी ना, कल न्यूमरोलॉजी का होगा, कल लिख के रखिए, कोई बात नहीं, कल हम करेंगे. जो हमारी कमिटमेंट थी वो थी जी, इसमें कोई बात नहीं, हमने न्यूमरोलॉजी में कमिटमेंट की थी उनसे, और कल न्यूमरोलॉजी का वेबिनार है, और मैंने सभी सबको इनवाइट किया हुआ है आज ही कि कल आइए, आप आइएगा. आपका नंबर्स क्या होते हैं, नंबर कार्मिक नंबर के मतलब क्या है, ये नंबर आपके लाइफ में कैसे मिरेकल कर सकते हैं. और जिसने न्यूमरोलॉजी पढ़ रखी है ना, अभी कौन थी मैम जिन्होंने, विजयलक्ष्मी जी, या, आप कल स्पेशल इन्वाइटेड है हमारे.
ठीक है सर, आप आइएगा, न्यूमरोलॉजी पता लगे, न्यूमरोलॉजी होती है, मेरा टेस्ट होगा इसका मतलब नहीं, टेस्ट नहीं आ रही, नहीं ऐसा नहीं, हम किसी का टेस्ट नहीं, हम कहते हैं कि न्यूमरोलॉजी का एक दूसरा रूप दिखाएंगे आपको। हाँ सर, हमें और कुछ नया सीखने को मिलेगा इसलिए हाँ। मैंने पहले से सोच के रखा कि कुछ रेमेडीज अलग मिल जाएगी, क्योंकि क्योंकि आपने सिखाया ना, आई एम एवर रेडी टू लर्न, आपने सिखाया तो आप अच्छे जज कर पाएंगे कि हम क्या है, हम क्या सिखाते हैं। अब जिसको पता ही कुछ नहीं उसके लिए तो मैं जो बता दूंगा उसके लिए तो वही ब्रह्मा के शब्द है। जज करने का मतलब है कंटेंट को जज करने का, ना मैं आपको जज करूंगा, मेरी की इतनी हैसियत नहीं है कि मैं आपको या किसी को जज कर सकूं, तो सबकी अपनी इंडिविजुअल लाइफ है, इंडिविजुअल जर्नी है, औकल की जर्नी है सबकी, जिसने भी ये विद्या पढ़ रहा है सब ईश्वर के बंदे हैं, है ना, कोई ऐसा पूछ नहीं है, आप भी उतनी रिस्पेक्टेड हैं जितना मैं हूं, तो मैं आपकी भी उतनी रिस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि आप भी ओकल्ट फील्ड का एक पार्ट होंगे, तो हमारे जैसे ही हो आप, इसमें क्या बात है, किसी की नॉलेज थोड़ी कम है किसी की ज्यादा है, बस इतना फर्क। टाइमिंग क्या रहेगा सर उसका? टाइमिंग यही 9 बजे। अच्छा, हमारे सारे वेबिनार 9 बजे होते हैं, और अब से डेली वेबिनार होगा, बाई चांस कोई कोई दिन ऐसा जाएगा जिस दिन वेबिनार ना हो, तो आप मेरा आईडी और पासवर्ड नोट कर लीजिए, कहीं से लिंक नहीं भी आए ना तो वैसे 9 बजे एक बार खोल के देख लिया करो, यही आईडी यही पासवर्ड हमेशा के लिए। So sorry to interrupt you. मैं हर दिन 9 बजे आपके वेबिनार के लिए वेट करती हूँ, और एवरी डे मैं लॉग इन करती हूँ, जिस दिन नहीं होता उस दिन पता चल जाता, पता लग जाता है, सिंपल बात है, तो जी सर, सेम आईडी सेम पासवर्ड, आपको कोई जी सर, और जब मेरा वेबिनार आप मेरा पोस्टर देखो ना, तो उसको फिल्म मत किया करो यार, मेरे पैसे लग जाते हैं उसको, ये भी ओके सर। आप अगर ग्रुप है तो ग्रुप का लिंक को एंटर कर लो, लेकिन जो उसको साइन अप होता है ना, जब आप रेगुलर सुनने आते हैं तो साइन अप करते हैं तो मेरे कुछ पैसे लगते हैं वहां, क्योंकि पेड प्रमोशन चल रही है, जैसे कोई साइन अप करता है तो वो पैसे काट लेता है हमारे फेसबुक। अच्छा अच्छा, तो उसको साइन अप मत किया करो, आप आईडी और पासवर्ड देख लिया आपने, उस पर आईडी पासवर्ड से लॉग इन कर लो, बस सिंपल। ओके सर जी सर, तो आप कितना सपोर्ट मैं मांग सकता हूँ दिल से, वो तो आप दे सकते हैं ना हमें, क्योंकि पैसा क्यों फेसबुक को देना, बिल्कुल सर। ठीक है, तो ये रहेगा अपना, और कोर्स हमारा 16 से शुरू हो रहा है, मतलब बाकी मजा आएगा पढ़ के आपको कोर्स, टैरो मिरेकल सब्जेक्ट में मजा आता है। सर हमें कार्ड्स मंगाने, कार्ड्स अभी जरूरत नहीं है आपको मंगाने की, जब आप कोर्स में आते हैं तो मैं आपको गाइड करता हूँ क्या मंगाना है क्या नहीं मंगाना, तो मैं आपको गाइड करता हूँ, और ड्यूरिंग द कोर्स कोई कार्ड की जरूरत भी नहीं होती ड्यूरिंग द कोर्स, क्योंकि आपको अभी कोई जरूरत नहीं, जब कोर्स खत्म हो जाता है या खत्म होने वाला होता है तब आपको कार्ड की जरूरत पड़ती है, तो आराम से आइए, निश्चिंत आइए, मेरी क्लास में सिर्फ बैठना होता है, ना कुछ लिखना है ना कुछ नहीं, सिर्फ जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको समझो, उस पर ध्यान करो, बस कुछ नहीं करना होता, आराम से बैठिए, गारंटी हमारी सीख के जाएंगे। सर जो ज्योतिष से रिलेटेड चीज आप कुछ कुछ बताएंगे, जैसे सिंबल या किसी राशि का या कुछ, तो वो नोट कराएंगे या आप? नहीं, ये सब पीपीटी में होता है, आपको मिलता है, या मैं उस टाइम बेसिकली क्या होता है, जब आप कुछ पढ़ रहे हो ना तो समझ लो उसको, रिकॉर्डिंग आपको मिल रही है, नोट ही करना है तो रिकॉर्डिंग के बाद सुनकर नोट करते रहना, जो नोट करना है भाई उस वक्त आप लिखने बैठेंगे, मैं दो चीज और बता रहा हूँ, आपका दिमाग तो लिखने में चला गया ना, तो दो चीज मैंने दो चीज और एक्स्ट्रा बताई वो आपके दिमाग से नहीं रहने वाले, तो बेटर ये होता है आप मुझे वहां पर सुनो, ठीक है, मेरी तरफ ध्यान दो, जो मैं पूछ रहा हूँ उस पर कंसंट्रेट करो, बाकी आपने जो नोट डाउन करना होगा बिल्कुल ऐसा होता है, आप दोबारा सुनेंगे, क्योंकि अगर मैंने किसी कार्ड के 10 मतलब लिखे हो ना तो 20-30 मतलब मैं आपको और बताता हूँ जो कि इसमें नहीं लिखे, ठीक है, मैं एक कार्ड पर 15 मिनट बोल रहा हूँ तो वहां पर तो 2 शब्द लिखे हुए हैं, लेकिन मैं 15 मिनट बोल रहा हूँ एक कार्ड के ऊपर, तो बाद में उसकी रिकॉर्डिंग सुनिए, रिकॉर्डिंग आपको मिलती है एज इट इज लाइव रिकॉर्ड हो रहा है, वो आपको रिकॉर्डिंग मिलती है, उसको रिकॉर्डिंग में दोबारा सुनो, अपने नोट्स बनाओ बैठ कर, क्या दिक्कत है, तो ये मतलब है। हाँ जी, और किसी ने कुछ पूछना है, एनीवन कोई भी पूछना है, और कल न्यूमरोलॉजी का वेबिनार है तो वहां पर हम आपके पर्सनल क्वेश्चन भी लेते हैं न्यूमरोलॉजी के अंदर, ठीक है, वो आप आइएगा, ऑल आर वेलकम है, और कल का सेशन बड़ा मिरेकल होने वाला, और हम लेट तक बैठते हैं जिस दिन न्यूमरोलॉजी का वेबिनार होता है, ठीक है, अभी हमारा कार्मिक नंबर पे है क्या? हाँ जी, न्यूमरोलॉजी का कल कार्मिक नंबर पे, कार्मिक नंबर पे है, कार्मिक नंबर पे, कार्मिक नंबर, ठीक है, तो आप आएंगे आपको पता लग गया, किसी ने टैरो के लिए कुछ पूछना तो यस कुछ पूछ सकते हो, कब से क्लासेस स्टार्ट है टैरो की? 16 से मैडम, नेक्स्ट मंडे 16 से बैच शुरू है,
बैच 15 डेज का, 14 से 15 डेज का कोर्स है, मंडे टू फ्राइडे क्लास होंगी, यानी कि 3 हफ्ते कोर्स चलता है, कम से कम 3 वीक, क्योंकि सैटरडे संडे क्लास नहीं होती, तो मंडे टू फ्राइडे क्लास होगी 4:30 to 6, ओके। और फिर आपको सर्टिफिकेट इशू किया जाता है हमारी तरफ से, और आपको बैक एंड पर सपोर्ट भी किया जाता है, अगर आपने कमर्शियल लेवल पर प्रोफेशनल लेवल पर स्टार्ट करना है कुछ, कैसे प्रमोशन होगी, कैसे आप कमर्शियल लेवल पर एस्टैब्लिश होना चाहेंगे, तो मैं एक ह्यूमिनिटी के नाते आपकी वो भी हेल्प करता हूँ, क्योंकि मेरा हमारा पार्ट ऑफ द कोर्स नहीं है या हमारा कोई वो नहीं है, लेकिन फिर भी आपने हमारी जो भी हेल्प चाहिए, क्योंकि हम इस फील्ड में लंबे टाइम से हैं, कैसे प्रमोशन की जाती है, कैसे अपने आपको मतलब पब्लिश करना है, कैसे मार्केटिंग करनी है अपनी, वो सारा आपको मैं पर्सनल लेवल पर आपको बताऊंगा, आपकी हेल्प करूँगा जितनी मेरे से हो सकती है। थैंक यू सर, फोन पे बात। और मुझे ऐसा लगता है इस ऑकल्ड वर्ल्ड में शायद इक्का दुक्का लोग हैं जो अपनी वर्ल्ड में आपको कहते हैं आइए हम आपकी हेल्प करेंगे, कहाँ से बैनर बनना है, कहाँ से प्रमोशन चलती है, कैसे यूट्यूब चैनल चलाएंगे, कैसे फेसबुक पर प्रमोशन, मतलब सब कुछ जो मर्जी पूछेंगे आप, मैं अपने सोशल मीडिया वाले से आपको कनेक्ट कराता हूँ, आपको फ्री में गाइडेंस देता है, फ्री में, कोई चार्ज नहीं लेगा। सर सॉरी अगेन, ही ना बोल रही हूँ, इंटरप्ट यू, मैं जैसे अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ, तो मैंने बहुत जनों के वेबिनार्स अटेंड करती रहती हूँ सीखने के मतलब से, जो अभी आपने ये बात कही ना कि आपको कोई नहीं देगा प्लेटफॉर्म फॉर दिस, ये ट्रू है, ये सच है जो आप बोल रहे हो ना सर, ये सच है, नो वन कैन गिव यू। सर मैंने बहुत जनों का अटेंड किया हुआ है, किसी ने ये स्टेटमेंट नहीं कहा है, दैट्स व्हाई मुझे, मैं हमेशा हर दिन 9 बजे आपके लिए वेट करती हूँ कि मुझे सर से कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही सीखने। सो सर रियली दिस इज, आई एम रियली थैंक, और ये सच में ये फैक्ट है जो आपने कहा है। हीना भगवान से ब्लेसिंग करेंगे कि आप इस लाइफ बने कि सारे कोर्स कर सकें और अपने बलबूते कर सकें, किसी की हेल्प की जरूरत ना। हां सर, हां सर, आपके लिए डेफिनेटली आज प्रे करूंगा कि भगवान आपको इस काबिल बनाए कि आपको किसी हेल्प मांगने की जरूरत ना पड़े और ऐसा सोचना ना पड़े कुछ सीख करने के लिए, ये दिल से दुआने के लिए। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। इस ऑफर वर्ल्ड में आना चाहते हो ना तो लगे रहिएगा, और डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ भगवान की नजरें जिस दिन आप पे पड़ी तो पता नहीं कहाँ से रस्ते खुलेंगे, क्या पता मेरे ऐसा पागल कोई बोले नहीं ना आजा फ्री में पढ़ाता हूँ, पता नहीं कुछ तो होके रहेगा जब बात निकली है। सर आपने वैसे भी लास्ट जब कार्मिक पे न्यूमरोलॉजी पे जब कोर्स तब आपने वेबिनार लिया था, तब मेरा लास्ट क्वेश्चन आपने लिया था, मैंने आपको दी थी मेरी, तब आपने ये भी कहा कि आपके 9 9s जो थे कुछ प्लैनेट्स, तो आपने कहा था कि आप आगे बहुत सक्सेस जाओगे, एज यू सेड कि मोदी जी की भी आपने मेरे पे कंपेयर किया, तो मैंने कहा सर मोदी जी सक्सेस है मैं नहीं हूँ, तो तब मुझे आपने एक एग्जाम्पल दिया था कि मोदी जी ने चाय बेच के आगे बढ़े तो आप भी करोगे। बस तो जब वो चाय बेचने वाला हमारा रिस्पेक्टेड प्रधानमंत्री बन सकता है तो डेडिकेशन रही होगी ना, उसका फेथ रहा होगा, डिवाइन की नजरें उस पर पड़ी, बना दे तो आप तो क्या चीज हो, आपको भी भगवान चाहेगा तो अपना ही कहाँ बैठा देगा, ठीक है, तो डेडिकेशन रखिएगा बस, और भगवान को ये बोलो कि भाई अगर आप मेरे को इस साइंस में नहीं पढ़ा रहे ना तो आपका नुकसान हो रहा है, मेरा कोई नुकसान नहीं हो रहा, क्योंकि अगर आप मुझे सिखाएंगे तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगी, आपकी हेल्प करूंगी ना, लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताने, लोगों की हेल्प करेंगे, और हेल्प के लिए भगवान अगर किसी की मदद करनी है ना तो खुद तो आएगा नहीं जी सर, तो आएगा ना, करेगा किसी की हेल्प करता है वो इंसान, किसी ना किसी के रूप में तो वो आएगा ही आएगा। तो फिर बोल दो भगवान एक दिन आएगा, देख लो मेरी शक्ल कौन सा बुरी है, आ जाओ मेरी हेल्प कर जाओ, बस भगवान करेंगे। नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर। बोलो सर, वास्तु की क्लासेस भी होगी क्या सर? यस मैम, वास्तु क्लास होगी, वास्तु हमारा सितंबर में लॉन्च होगा फर्स्ट वीक में। सर कितने दिनों की क्लासेस होंगी? वो 3 महीने का कोर्स होता है, मतलब जो अगर मंथली बनाया तो, अगर वीकली मतलब हफ्ते में 2 दिन क्लास बनाई तो टोटल उसकी 20-22 क्लासेस होती है। तो फिर दूसरा पूछ रहा सर, मैं एक चीज और पूछना चाह रहा हूँ सर, मेरे को अकल्ट में बहुत इंटरेस्ट है, हर चीज में, एस्ट्रोलॉजी में भी, न्यूमरोलॉजी में भी, लेकिन मेरे को ना इसमें टैरो में की इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा, क्या बात है सर? अच्छा, कोई नहीं, जो आ रहा है एक तो पढ़ लो। अच्छा मेरे से एक कोर्स पढ़ लो आप। नहीं सर, मेरे को पढ़ना तो पढ़ा दिया मैंने, पढ़ लो पहले सर। टैरो नहीं पढ़ना मेरे को टैरो नहीं पढ़ना, तो न्यूमरोलॉजी पढ़ लो या वास्तु करना है, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी पढ़ लीजिए, जो मर्जी पढ़ लीजिए। तो नाड़ी तब का स्टार्ट भी हो गया, लेकिन एस्ट्रोलॉजी कर सकते हैं क्या? एक क्लास हुई है उसकी रिकॉर्डिंग में, इंट्रोडक्शन एक्चुअली टाइमिंग मैच नहीं कर रहे सर, 11 बजे की। न्यूमरोलॉजी पढ़ लीजिए, 23rd ऑफ अगस्त से शुरू हो रहा है, मंडे टू फ्राइडे क्लास होगी 6:30 to 8 सर। मैं उसके लिए आदि योस्ट यू आर मोस्ट वेलकम। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी सर भी प्रेडिक्शन होते हैं क्या सर? हाँ जी, नाड़ी में, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी भी प्रेडिक्शन के लिए ही लिया जाता है कि जैसे न्यूमरोलॉजी है, टैरो कार्ड है, वैसे ही। हाँ जी वैसे ही है, उसमें ज्योतिष, ज्योतिष है वो, समझ लो, नाड़ी हटा दो वर्ड, ज्योतिष में सिखा रहा हूँ आपको,
2 महीने का ज्योतिष का कोर्स है, सैटरडे संडे क्लास होती है, 20 से 22 क्लास होंगी आपकी, और आप अगर ज्योतिष का जे भी आपको नहीं आता तो 2 महीने बाद और 1 महीना 2 महीना प्रैक्टिस करते ही 4th महीने में आप प्रेडिक्शन स्टार्ट कर दोगे। लोगों के बारे में बताना, कब शादी होगी, कब बच्चे होंगे, कब ऊंच नीच आएगी, कौन से प्रोफेशन में जा सकते हो, ठीक है, हर चीज जो एक नॉर्मल क्वेश्चन जो एस्ट्रोलॉजी से पूछा जाता है। और क्या चाहिए? बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन बहुत डिफिकल्ट है। देखिए मैडम, आसान तो कुछ भी नहीं होता, आसान कुछ है क्या लाइफ में? क्या आसान है बता दो, एक चीज बता दो वो आसान है। हाँ, लेकिन यही है कि सर जिस तरह से आप इनकरेज करके चीजों को बहुत लाइटली लेके जाते हैं, इतना मोटिवेशन देते हैं, सामने वाले बंदे को लगता है हाँ अब तो ये आसानी से सीख लेंगे हम। बेस्ट पार्ट इज दैट भाई डेडिकेशन चाहिए आपने, वो भी चीज डेडिकेशन है, जज्बा है पढ़ने का तो आप पढ़ोगे करोगे, वरना हर चीज इंसान के लिए मुश्किल है। आसान तो कुछ भी नहीं है जीवन में, जीना आसान है क्या, कमाना आसान है क्या, मेहनत करते हो ना, और उसको मेहनत को ये बोझ समझ के नहीं करते भाई, रूटीन का काम है, काम करो पैसे मिलेंगे, नेम फेम मिलेगा, ऐसे ही पढ़ोगे नॉलेज मिलेगी, प्रेडिक्शन कर पाओगे, जब करोगे नहीं आओगे नहीं, और पहले मान लो मैं कर ही नहीं सकती तो भाई कर ही नहीं सकते फिर तो। एक इंसान वो काम नहीं कर सकता जिसको वो सोच ले कि वो नहीं कर सकता, सिंपल लॉ रूल है। और फिर आपको अपने ऊपर विश्वास ना हो, मुझे तो अपने ऊपर विश्वास है ना, मुझे भगवान में विश्वास है बस। जब आप नेक नियत से सीखने की, आपकी नियत सीख है सीखने के लिए, आपकी डेडिकेशन है, मेरी नियत मेरी डेडिकेशन सिखाने में, तो क्यों नहीं चीज आएगी, ईश्वर अपने आप मदद करेगा। आपका कॉन्फिडेंस से आधे जन ऐसे ही सूख जाते हैं सर। हाँ, वही मैं बोलने वाली थी क्योंकि आप ना लोग डरते हो, लोग आते हैं फिर सीख के चले जाते हैं। मैंने कहा आप डर रहा था उस टाइम, तू बोला था नहीं आ पाएगा, आ गया ना, कह रहा सर वो तो आपने सिखा दिया, आ गया। मैंने कहा मैंने क्या सिखा दिया, तो सीख भी जाते हैं ना सर, सीख जाते तो कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं आता सर, जैसे कि हम लोग किसी का प्रेडिक्शन कर ले वैसे कॉन्फिडेंस, वो सही है ना गलत है वो ही बात हो जाती है सर। कुछ चीजें जैसे बड़े बुजुर्ग क्या बोलते हैं आपको भाई, आपको आपने किताबें बहुत सारी पढ़ी होंगी, बड़े बुजुर्ग ये कहते हैं ना, आपने किताबों से सीखा होगा, हमने एक्सपीरियंस से सीखा है। जो चीज टाइम सिखाएगा वो कोई नहीं सिखा सकता। मैंने आपको जितना मर्जी अच्छा कंटेंट दे दिया, लेकिन जो टाइम सिखाएगा ना आपको, वो किसी किताब नहीं, कोई किताब नहीं सिखाती, वो कोई इंसान नहीं सिखा सकता। इसका मतलब टाइम सबसे बड़ा बलवान है, तो हर चीज थोड़ा वक्त देना पड़ता है ना। जितना मर्जी आप किसी को चालो, मतलब नई नई शादी हुई है आप में, वो दोनों में बहुत अट्रैक्शन है, सब कुछ है, लेकिन वो जो प्यार डेवलप होगा ना, वो एक दिन में तो नहीं हो सकता ना, रोज 24 घंटा हेलो ही बोलो एक दूसरे को, क्या वो चीज डेवलप हो जाएगी जो 10 साल रहकर एक हार्मोनी क्रिएट होगी दो इंसानों के बीच में? क्या वो 10 दिन में 500,000 बार 10,000 बार आई लव यू बोल के वो चीज क्रिएट हो सकती है क्या? नहीं सर। टाइम रहती होगी ना सर। यस, टाइम तो देना सीखो, टाइम देना सीखो, हर चीज को टाइम मांगता है। तो पढ़ाओ, फिर थोड़ा वक्त दो, चीजें सीखो और अपने आगे बढ़ाओ, तब चीज आएंगे। सर आप तो इतना कॉन्फिडेंटली बोल देते हो, सर आप तो ये है, अरे भैया मेरी जर्नी में तो देखो, मेरे को 10 साल तो पढ़ाते हो गया सब्जेक्ट को, ठीक है, हजारों कंसल्टेंट दे चुका हूँ, हजारों स्टूडेंट को पढ़ा चुका हूँ, अब आप मेरे को अपने से कंपेयर करेंगे या मैं किसी और को अपने से कंपेयर करना शुरू करूँ, तो कंपैरिजन तो है ही नहीं। जो मैंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लिया है, बेशक आप कंटेंट में से नॉलेज ज्यादा होगी, लेकिन जो मेरे पास एक्सपीरियंस है 10 साल का अपना, वो तो मेरा अपना है ना, वो मेरी कमाई अपनी, तो आपको अपनी कमाई खुद करनी पड़ती, टाइम देना पड़ता है। और एक बार टाइम दे दिया आपने, साल दो साल इसमें डेडिकेशन लगा दी, फिर तो आपको इतना मजा आता है, कब पता लगेगा कब आपकी जर्नी कहाँ से कहाँ। आइए पढ़िए सीखिए, और मैं तो ये कह सकता हूँ मुझे अपने कॉन्फिडेंस है, कोई भी साइंस आपने सीखनी है तो अगर आप सीखते हैं तो डेडिकेशन आप में होनी चाहिए सीखने की। मैं सिखा दूँ नेक्स्ट क्लास कब है टैरो की सर? टैरो की मुझसे पूछ रहा था। 16th ऑफ अगस्त से शुरू है कोर्स, 16 अगस्त, उसके बाद वाला नेक्स्ट वाला हर महीने कोर्स होता है, हर महीने मान के चलेगा सेकंड वीक में या फर्स्ट वीक में लॉन्च होता है हमारा, हमेशा टैरो का, हमेशा टैरो का हर महीने, टैरो न्यूमरोलॉजी और ज्योतिष और वास्तु, लगभग लगभग हर महीने है। वास्तु के कभी कभी किसी महीने स्किप हो जाता है, जैसे इस महीने स्किप हो गया तो फर्स्ट वीक में हो जाए। टैरो तो फिक्स है मेरा, 10 तारीख के आसपास मेरा टैरो लॉन्च होता है, इस बार भी मैंने 10 तारीख को किया था। लेकिन हाँ जी बोलिए, क्या टैरो की प्रैक्टिस कैसे करते हैं? मैडम प्रैक्टिस सब बता दूंगा ना आपको, देखो जिस ग्रुप में आप आते हो वहां पर 20-25 लोग होते हैं हमारे पास, तो उस ग्रुप में आप जब 20-25 लोगों के साथ कम्युनिकेट करेंगे सीखेंगे तो अपने आप चीजें आएंगी, ठीक है। दूसरा जब आपको टूल बता दिया जाएगा, कैसे मैं कह रहा हूँ आपको कमर्शियल एंगल पे कैसे अपने आप को लाना है, मैं यहाँ तक आपकी हेल्प कर रहा हूँ,
कि कैसे क्लाइंट पकड़ेंगे आप, कैसे फ्री के सेशन कहाँ कहाँ करने हैं आपने, सारी गाइडलाइन दे तो रहा हूँ मैं आपको, मैं पीछे तो ना हट रहा हूँ। अब इतनी इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यही कर सकता हूँ, मैं सिखा सकता हूँ, मैं आपको रास्ते दिखा सकता हूँ, बाकी चलना मैडम आपको खुद है ना। रिकॉर्डिंग सर, रिकॉर्डिंग सर कितने महीने के लिए रहेगी कि लाइफ लॉन्ग रहेगी? मैडम मेरी तरफ से लाइफ लॉन्ग होती है। अब आप ही ना देखो, छह महीने बाद तो आपकी कमी है। नहीं नहीं, बहुत लोगों का तीन महीना रहता है, छह महीना रहता है। उनकी छोटी मानसिकता है, जब एक चीज दे दी तो आप तीन महीने रखो या तीन साल रखो, क्या फर्क पड़ने वाला है? वो बोले YouTube अपने आप ये रिजॉल्व कर देता है। हाँ, कई बार अब यही बात होती है ना, हमें पैसा देना पड़ता है, तो अब मैं मान के चलता हूँ, वैसे तो हमने साल का बोला हुआ है, साल के बाद कोई नहीं देखता, क्योंकि आप जब इतनी बार देख लेते हो तो कितनी बार देखोगे, और उसके बाद भी अगर किसी को चाहिए तो फिर मेरे से वापसी लेना, मैं दोबारा दे दूंगा, किसी और को उठा दे दूंगा, मैं तो रोज पढ़ा रहा हूँ। भाई कोई चीज समझ नहीं आई, ये तो बोलोगे सर वो चीज मेरा टॉपिक समझ नहीं आया, तो मैं क्या करूंगा, मैं आपको उस टॉपिक के लिए बुला लूंगा स्पेशल, या किसी और ग्रुप की वो टॉपिक आपको भेज दूंगा, दोबारा सुन लो, मेरे सेहत पे क्या जा रहा है। तो अपना हॉरिजन बढ़ा है, मेरा दिल बढ़ा है, और सर अगर अगर सर जैसे कोई चीज समझ नहीं आती, या मान लो आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, तो वो फिर सर वो हमें मतलब आप किसी और ग्रुप में भी ऐड कर सकते हो? कर सकता हूँ, लेकिन उसी ग्रुप में क्यों नहीं हुआ वो, पहले मुझे ये बताइए, मैं आगे बढ़ूंगा नहीं जब तक वो आपको क्लियर नहीं होगा। अच्छा, वो फिर ठीक है। दूसरा, चलो उस टाइम उसका समझ ना आए, रिकॉर्डिंग आपको अगले दिन मिल गई, उसको 10 बार सुनो, 20 बार सुनो, 50 बार सुनो, सुनो तो सही। जी 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 जी, कैसे नहीं समझ में आएगा? कई बार ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है, मैं बता रहा हूँ, जैसे एक दो बैच में, मतलब हर बैच में एक आध कोई स्टूडेंट निकल जाता है, दो तीन बैच के बाद एक स्टूडेंट ऐसा बोलता है, मान लिया आप पढ़ने आए, किसी कारण से बीमार हो गया, आप लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाए, घर में शादी ब्याह हो गया, आपका ध्यान नहीं लगा, मतलब कुछ भी रीजन हो सकता है कि आपने लाइव क्लास अटेंड नहीं की। बस यही बात मैं पूछना चाह रही थी आपसे, आप बता रहा हूँ, फिर आपको रिकॉर्डिंग तो मैं देता हूँ, लेकिन फिर भी आपके मन में ये क्यूरियोसिटी रह जाती है कि यार सर से लाइव पढ़ते तो और अच्छा होता। फिर उसके से मैं कहता हूँ, वो कहता है, मैं क्या ईमानदार से, तुम नहीं लाइव अटेंड नहीं कर पाया? बोला सर नहीं कर पाया। कोई बात, अगला बैच शुरू होगा, रिकॉर्डिंग आपको इस बैच की तो मिली गई है, अगले बैच में आप मेरे साथ फ्री में एनरोल हो रहे हो और मैं आपको लाइव क्लास अटेंड कर। ओके सर, सो नाइस ऑफ यू, आपसे बस ये बात जाननी थी कि क्योंकि क्या है, कई बार क्या होता है, जैसे अभी मेरी फ्रेंड ने लिया, उन्होंने लिया, लेने के बाद अपना उसने अटेंड किया, उसने मुझे भी काफी फोर्स किया, एक्चुअली में मेरा भी इंटरेस्ट अभी डेवलप हुआ, तो उन्होंने काफी फोर्स किया कि उनसे कर लो, लेकिन वो उन्होंने उन सर से तो किया, वो कोई मुंबई के थे, वहां से कोर्स तो किया, लेकिन उसके बाद उनकी कोई एक दो क्लासेस मिस हो गई, उसके बाद वो पीछे पीछे घूमते रहे, लेकिन उन्होंने क्लास नहीं दी, लास्ट में बहुत पीछे पड़े तब क्लास दी, तो लेकिन बस ऐसे शॉर्टकट में करवाया जो कि समझ के बाहर ही था, तो मैंने कहा नहीं, मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा आपके इस टैरो कार्ड में, तो मैं अपने तरीके, इसीलिए मैं आपसे ये बात पूछ। ये तो हमारे जो व्यवहार है, व्यवहार है तो अपनी जगह है, वो हमारा व्यवहार आपको हर जगह नहीं मिलने वाला, ये तो मैं नॉलेज की तो बात नहीं कहता, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो व्यवहार हमारा है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये तो पता है। मैं आपको पिछले 15 दिन से रेगुलर यूट्यूब पर सुन रही हूँ, आपके 2-3 वेबिनार्स भी अटेंड किए हैं, तो मतलब अब काफी इतना क्यूरियोसिटी हो चुकी है कि आपसे ही करना है जो भी करना है। और आपका आपने कोर्स कंटेंट जिसने किया होगा ना, कोर्स कंटेंट मेरे कोर्स कंटेंट से उसको कोर्स कंटेंट में मिला लें, ये सब चीज जो बताई ना आपको, न्यूमरोलॉजी, ज्योतिष, उनको पता ही नहीं होगा, वो चीज लिखी नहीं होगी। हाँ सर, एग्री ही ना बोल रही हूँ, सॉरी अगेन अगेन, मैं आपको बीच में काट रही हूँ, एक्सट्रीमली सॉरी, जैसे मैंने पहले भी आपने कहा और ये बात सही है, मैंने हमेशा सबको वेबिनार अटेंड करते, मैंने सबको सुना, जैसे मैंने आपको बोला, तो मैं हमेशा मैच भी करती हूँ कंटेंट्स, जो आपके पॉइंट्स है ना, उस जो दूसरे देते हैं मार्केट में, आधा तो होता ही नहीं है, नहीं होगा बिल्कुल, दे नेवर पुट, दे जस्ट मतलब पैसे बनाने हैं इस चक्कर में, वो देते हैं डिटेल्स तो ऐसे देंगे कि मतलब कॉमन्स देंगे, और फिर उसके बाद ऐसा कुछ कि वो तो ऑलरेडी आप पहले पढ़ा चुके हो, मतलब यू नो उससे पहले जो स्टेप रहता है उसमें भी वही है, तो उसके बाद जो एंड सोर्स आएगा वो भी वही रहता है। बट सॉरी सर, अगेन मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, क्योंकि जो गलत है मार्केट में वो मैं आपको बता रही हूँ। देखो दुनिया है तो चलती रहेगी, आप अपने आप को ठीक रखो, हम तो कहते हैं हम दुनिया को क्या ठीक करेंगे, आप अपने आप को ठीक रखते हैं। हमारे कोई भी कोर्स होगा कंप्लीट कोर्स है, ये नहीं है कि भाई ये पहला लेवल है, दूसरा लेवल है, चौथा लेवल है, ऐसा कुछ नहीं होता, हमारे कोई भी कोर्स है कंप्लीट होते हैं, और किसी भी कोर्स का कंटेंट, आप चाहे ज्योतिष है, चाहे वास्तु है, चाहे न्यूमरोलॉजी है, चाहे टैरो है, आप किसी से मेरा कोर्स कंटेंट कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली ऐसी ऐसी चीजें मेरे कोर्स में होंगी कि सामने वाला दे ही नहीं सकता, आप बिल्कुल यूनिक कंटेंट है हमारे।
और पढ़ाने का तरीका तो आपने देख लिया, और चीजों को जब मैं पढ़ाता हूँ ना आपको, मैं किताबी ज्ञान नहीं देता आपको, मैं आपको व्यवहारिक ज्ञान देता हूँ, प्रैक्टिकलिटी वाला ज्ञान देता हूँ, ठीक है? कि भाई ये नहीं है कि 108 एंटी नंबर है, मुझे भी पता है शुक्र सूर्य और शनि आपस में दुश्मन है, पिछले 12 साल से पढ़ाता आ रहा हूं, लेकिन किसी को ये नहीं पता ये एंटी है ही नहीं। अब क्यों एंटी नहीं है ये आप कोर्स में आएंगे न्यूरोलॉजी के तो बताऊंगा कि क्यों एंटी नहीं है ये, और अगर एंटी है भी तो किस कंटेस्ट में एंटी है, किस फील्ड में एक दूसरे के अपोज करते हैं, अगर ये है तो क्या देंगे और क्या नहीं देंगे आपके लिए। आपने न्यूरोलॉजी पढ़ ली होगी बेसर, यही तो बात है। अब आप आएंगे थोड़ी न्यूरोलॉजी के वेबिनार सुनो मेरे यूट्यूब पर जाकर एक बार, आपको पता लगेगा कि नंबर कभी भी एंटी नहीं होते एक दूसरे के, कभी भी नहीं होते, कभी हो ही नहीं सकते। ओके सर, जैसे वेबिनार के शुरुआत में किसी ने क्वेश्चन पूछा था काल सिर्फ दोष का, आपने बताया था दोष होता ही नहीं है, हाँ, तो योग होता है, डराते हैं, तो वैसे योग होता है कुछ? हाँ योग तो होता है मैडम, योग तो होता है जी, ठीक। और काल सर्व भी, बहुत तरह के काल सर्व होते हैं, और आपको काल सर्व एक अमीर की कुंडली में मिल जाएगा और एक गरीब की कुंडली मिल जाएगा, तो कैसे पता लगाओगे भैया अभी काल सर्व अच्छा है बुरा है जी? वो सारी पर्सनैलिटी, रिनॉन्ड पर्सनैलिटी, ठीक है, चाहे वो ऐश्वर्या राय बच्चन है, चाहे वो बहुत सारी पर्सनालिटी है, ठीक है, बहुत सारी पर्सनालिटी में आपको जो करोड़पति हैं, अरबपति हैं, जो फिल्म स्टार हैं, जो अच्छे राइटर हैं, वो तो कुंडली में आपको मिल जाएगा। हाँ जी, तो आपको समझना पड़ेगा काल साहब बहुत रेयर होता है, जो कि खराब होता है, बहुत रेयर, सारे काल साहब खराब नहीं होते, तो आपको समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? तो लेकिन लोग डराते हैं, और डराने के नाम पे वो उपाय के नाम पे 10,000-20,000 लाख रुपए ऐंठ लेते हैं उनसे, वो काल सब ठीक हो जाता है, ठीक है? और इवन तक कि मैंने तो इतना सुना है, मेरे कोर्स में आते हैं ना बच्चे पढ़ने, बच्चे आते हैं पढ़ने, तो मैं हर कोर्स में कुंडली भी थोड़ा थोड़ा देखता हूँ, देख लेता हूँ कभी कभी, तो एक मतलब अभी तो पीछे पिछले वाले बैच में न्यूरोलॉजी वाले बैच में था कि सर मेरे से 35,000 रुपए ले लिए किसी ने, ये कहकर कि आपके कुंडली में काल सर्व दोष है। जब मैंने उसकी कुंडली लगाई तो देखा काल सर्व दोष, कोई किसी तरह का काल सर्व दोष नहीं बनता किसी भी तरह का, सोचो कितनी मतलब अंत मचा रखा है इन ज्योतिषियों ने, बुरा हाल है। मतलब एक टाइम तो ऐसा था, मतलब मैं इस फील्ड का होके मैं बोलता था भाई ज्योतिषी के बाद जाना छोड़ दो, क्योंकि वो आपको इतना डरा देते हैं, क्योंकि ज्योतिषी बहुत कम है जो ईमानदारी से ज्योतिष करते हैं। हर इंसान इस वक्त ज्योतिष जो कर रहा है ना, मतलब मैक्सिमम, मैं सभी की बात नहीं कर रहा, लेकिन जहां सुनने का बोले भाई साहब उसने ये लूट लिया, उसने ये लूट लिया, तो के बाद शर्म भी आती है कि बताते हुए मार्केट में कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, माले किसी ने लूटे पटे इंसान के बारे में मैंने बोल दिया कि भाई मैं भी ज्योतिषी हूँ, तो गाली तो ज्योतिषी को दे रहा है ना वो, कि देखो जी मेरे से 35,000 लूट लिए, मेरे को 1,00,000 रुपए लूट लिए, मतलब लूटने की भी तो हद होती है इंसानों की, उपाय के नाम पे ऐसा ऐसा लूट लेंगे, बताओ 1,00,000 रुपए में कौन सा उपाय होता है जो कि 1,000 रुपए में नहीं हो सकता, ऐसा कोई उपाय नहीं है। पता नहीं लाख रुपए खर्च करके, और पता नहीं करवाने वाले भी कैसे कहाँ कहाँ फंस जाते हैं। चलो कोई बात, सबकी अपनी जर्नी है। हमारे पहले सबसे पहले आपको पता लगे न्यूमोलॉजी होती क्या है। ठीक है, मैं अपनी फ्रेंड को भी बोले थे कल अटेंड करने, कल अटेंड करे, और मेरे बहुत सारे वीडियोस, आप सभी से रिक्वेस्ट भी है कि मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डॉक्टर नागेश तन्वर के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरा पेज है डॉक्टर नागेश तन्वर के नाम से, उसको फॉलो कर लीजिए फेसबुक, और सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको पता लगेगा कि वहाँ पर बहुत सारे वीडियोज आपके हैं, नॉलेज आपको मिलेगी, नॉलेजेबल है वो, मतलब वो नहीं है जो किताबों में लिखा है, वो नहीं है जो डराने धमकाने वाले हैं या सपने दिखाने वाले, ऐसे वेबिनार नहीं मेरे पास, मेरे पास नॉलेजेबल वेबिनार जहाँ पर आपको नॉलेज मिलती है। ओके, इसलिए आपने देखा होगा मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रेगुलर मेरे वेबिनार में आते हैं, क्योंकि उनको पता है नॉलेज मिलेगी, यहाँ कोई जादू मंत्र नहीं सिखाया जाता, यहाँ नॉलेज दी जाती है। ओके, ऑल द बेस्ट, कल मिलते हैं फिर, कल आप सभी लोग इनवाइटेड हैं, ठीक है, आप आइए, लिंक भेजेंगे सर आप, सेम आईडी और सेम पासवर्ड, नहीं तो जिस ग्रुप में आप हैं, अगर किसी ग्रुप में आप हैं उस ग्रुप में आपको फिर मैं कल आज का लिंक फिर भेज दूंगा, सेम ही लिंक है। हाँ सर, ग्रुप में है, ठीक है, बस वहीं पर रहेगा, मैं लिंक वहीं शेयर कर दूंगा।
ओके गुड सर, इवनिंग थैंक सर, एक यू। रिक्वेस्ट करनी थी। सर आपने ना वो बताना था फार्मिक नंबर 16 के बारे में, हाँ तो कल उसकी बताएंगे ना मैडम, रेमेडीज कहते थे, नेक्स्ट टाइम कल बताऊंगा। बताएंगे ना, कल न्यूमरोलॉजी का वेबिनार आज ठीक टैरो का था, ठीक है, ओके कल आना सर, न्यूमरोलॉजी का वेबिनार पे बता देंगे आप। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। कार के बारे में पूछ सकती हूँ आपको सर, किसके बोली, एक कार के बारे में? सर मैं आपकी क्लास ज्वाइन कर रही हूँ, मैंने आपसे बात की थी। मेरे को टावर जो रिवर्स आया है उसके लिए क्या है, मेरे को किसी ने टावर रिवर्स के लिए कितना कुछ बोल दिया कि मुझे बहुत टेंशन हो गया, तो इसके लिए मैं अभी आपसे पूछने वाली थी स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में, मतलब एंडिंग ऑफ द क्लास में चलो कोई बात, पूछूंगी। कोई बात। टावर रिवर्स में आ गया ना, तो समझ लो अभी जो हाँ, मेरे को इंट्यूशन आई है, फाइनेंस के लिए, नहीं फाइनेंस के लिए। जो मेरे को इंट्यूशन आई है कि बहुत बड़ा नुकसान होना था उससे बच गए हो आप, अच्छा बस जिसने जो भी बोला उसको छूट भूल जाओ कि एक नुकसान आपका हो सकता था उससे बच गए हो आप, अच्छा ओके सर, ठीक है। थैंक यू, थैंक और यू सो रिवर्स मच कार्ड 10 तरीके से सर, पड़े जाते हैं, जिसने बताया ना उसको पता ही कुछ नहीं है, 10 ठीक है तरीके सर, से। थैंक ठीक है यू, चलो, ओके जी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, आपने ओके सपोर्ट सर, गुड किया नाइट था सर, और कल फिर थैंक यू सर, इनवाइटेड हो थैंक यू आप सो मच सभी सर, के। चलो थैंक यू, थैंक यू, गुड नाइट, ओके सर, थैंक थैंक्स सर, बाय यू सर, सर, थैंक यू, थैंक यू। नहीं लगा।